हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स इको फॉर जेई 2020-22 पेपर नंबर 07 का सॉल्यूशन, जिसमें वेव थ्योरी एंड डॉपलर इफेक्ट को कंसीडर किया गया। तो सेक्शन ए को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फॉर द वेव शोन द फिगर, द इक्वेशन फॉर द वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी 350 मीटर पर सेकंड व्हेन इट्स पोजीशन एट इक्वल टू 0 शोन। टी बराबर 0 पे आपको पोजीशन दे रखी है वेव की, ठीक है, और ये वेव जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। क्लियर? ओके, तो इसका इक्वेशन क्या बननी चाहिए? अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इन ऑप्शंस के अंदर देखो, सबसे पहले तो देखो एम्पलीट्यूड आएगा, क्योंकि जो भी इक्वेशन बनेगी यहाँ पर वो किस फॉर्मेट में होगी, वाई इक्वल्स टू एक तो एम्पलीट्यूड, दूसरा ये देखो टी बराबर जीरो पर साइन की फंक्शन है, ठीक है, साइन का साइन वेव है, तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी की फॉर्म में ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर ये नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स डायरेक्शन प्रोपगेट करती तो यहाँ पे प्लस आ जाता, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में टी बराबर जीरो को, तो ए साइन के एक्स की फॉर्मेट में ये डायग्राम भी हमें मिल रहा है। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना आ गया, 0.05, तो 0.05 इसमें है, इस वाले में है और इस वाले में है, ठीक है। इन दोनों में साइन, तीनों में साइन साइन आ रहा है, थर्ड तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। अब इनमें अगर हम बात करें तो के एक्स माइनस ओमेगा टी फॉर्म में आना चाहिए, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी फॉर्म में देखें तो ये वाला मिल रहा है, ये वाला नहीं मिल रहा है पॉजिटिव, और ये देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स फॉर्म में मिल रहा है। अगर मैं टी बराबर जीरो रख दूंगा यहाँ पर तो माइनस का के एक्स आ गया, तो माइनस ऑफ साइन के एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये उल्टा बन जाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट अपन ऑप्शन से हिट कर सकते हैं, आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। बाकी अगर हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, के जो होता है वो 2π बाय लैम्डा होता है, और लैम्डा के बारे में भी अपन को दे रखा है। देखो यहाँ से अगर आप देखो तो ये लैम्डा हो गया, ये 2λ और ये लैम्डा बाई 2, तो कंप्लीट लेंथ कितनी होगी, ये 2λ प्लस लैम्डा बाई 2, जिसकी वैल्यू अपन को कितनी देर की, 20 सेंटीमीटर, 20 को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10⁻³। यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, वो लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख देंगे अपन, लैम्डा आने के बाद देन ये के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ रखेंगे ना अपन, तो अपने पास वैल्यू आएगी 225π, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो ओमेगा दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट ओमेगा है, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2πf, फ्रीक्वेंसी अपन जानते हैं वी बाय लैम्डा होता है, वी बाय लैम्डा, वी अपन को दे रखा है 350 रख दो लैम्डा की वैल्यू, या 2π बाय लैम्डा जो के होता है, ओमेगा बराबर के वी भी आप रख सकते हो, तो के की वैल्यू इंटू वी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन वाई इक्वल टू वाई नॉट साइन 2π एफ टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 times द वेव वेलोसिटी इज इफ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वीपी, अगर साइनसोइडल वेव है, सीधी सी बात है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है मैक्सिमम वो ओमेगा टाइम से होती है, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और वीपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेव स्पीड क्या होता है, वी इंटू जो स्लोप होता है, उस स्लोप से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, डेल वाई बाय डेल एक्स, ठीक है, वाई और एक्स का जो भी कर्व होता है उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं चलो इसको किस तरीके से अपन को लिखना है। खैर हालांकि ये इतना करना नहीं है अपन को, ये कह रहा है वीपी जो है वो वेव स्पीड का 4 times है, इसका मतलब इसको मैं 4v लिख सकता हूँ, और बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू ए, 4v, और v की बात करें तो v वेव स्पीड है, जिसको लैम्डा की टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूं f इंटू लैम्डा, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या आएगा 2πf, और a इज द एम्पलीट्यूड, इस वेव फंक्शन से साफ साफ नजर आ रहा है एम्पलीट्यूड कितना है, वाई नोट है, तो यहां से f से f कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो फ्रीक्वेंसी यहां से, या सॉरी f से f कैंसिल आउट हुआ, लैम्डा बचा है यहां पर, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा इक्वल्स टू यहां आ जाएगा अपने पास पाई वाई नोट बाय 2, तो सेकंड ऑप्शन का जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, आइए, टू ब्लॉक्स ईच हैविंग ए मास ऑफ 3.2 kg आर कनेक्टेड बाय वायर CD एंड सिस्टम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय अनदर वायर AB, तो AB और CD दो वायर आपको दे रखे हैं, उनसे दो ब्लॉक अटैच कर रखे हैं जिनका मास क्या है, सेम है। द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर AB इज 10 ग्राम पर मीटर एंड दैट ऑफ द CD इज 8 ग्राम पर मीटर, द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव पल्स प्रोड्यूस्ड इन AB एंड इन CD आर, तो इनमें वेव स्पीड अपन से पूछी है, और वैसे म्यू की वैल्यू जो है, जो मास पर यूनिट लेंथ जो आपको दे रखा है वो काफी कम है, तो इनके वेट को अपन इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पर, तो हमसे यहाँ पर जो है वो वेव स्पीड की वैल्यू पूछिए। देखो स्ट्रिंग या वायर के अंदर जो वेव स्पीड होती है, ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होती है, वो अपन लिख सकते हैं अंडर रूट टी बाई म्यू, टी टेंशन होता है और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा सीडी की बात करूं तो यहाँ पर देखिए इसका मास 3.2 kg दे रखा है, तो जी की वैल्यू अगर अपन 10 लें तो यहाँ पर वेट कितना आ गया 32 न्यूटन, इसमें टेंशन जो है वो 32 न्यूटन के बराबर होगा, तो सीडी वाला जो वायर दिख रहा है आपको,
इसमें टेंशन की वैल्यू 32 है, तो ये मैं रख देता हूं यहां पर 32, और म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ है सीडी, सीडी का अगर हम देखें तो 8 ग्राम पर मीटर है, तो 8 ग्राम 10 टू द पावर -3 है ना, तो केजी के अंदर अपन को लिखना है मीटर पर सेकंड के लिए, और ये इसे कट कर दें तो ये 4 आ जाएगा, अंडर रूट 4 जो है वो 2 होता है, ठीक है, और 10 टू द पावर -3 ऊपर ले जाओ 10 टू द पावर 3 हो गया, 100 का हो जाएगा 10 और रूट 10 बचेगा साथ में, तो 20 रूट 10, रूट 10 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 60 से ज्यादा आएगी वैल्यू, तो सीडी वाले वायर के अंदर जो स्पीड है वो 63 के अराउंड होगी, तो 63 जो है आ भी रहा है अपने पास, ठीक है, तो सीडी में 63 आ गई स्पीड। अब ए बी जो वायर दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ जो टेंशन है वो ऑब्वियसली सीडी से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ वाले में वेट इसका भी लगेगा, एम जी इसका भी आएगा, और इस टेंशन को भी ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ ए बी में टेंशन जो है इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली स्पीड जो है वो सीडी के कंपेरेटिवली ज्यादा होगी, तो ए सी डी में 63 है, और इन ऑप्शन के हिसाब से देखें अपन तो थर्ड ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, दोनों में सेम नहीं है, 79 दोनों में नहीं है, ठीक है, और सीडी में क्या है कम होना चाहिए, ए बी में ज्यादा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें मिल रहा है अपन को, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। फोर्थ, टू स्ट्रेस्ड वायर ए एंड बी ऑफ द सेम लेंथ वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली इफ द रेडियस डेंसिटी एंड टेंशन ऑफ द वायर ए आर रेस्पेक्टिवली ट्वाइस दोज ऑफ द वायर बी, देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए रिलेटिव टू दैट ऑफ बी। तो फ्रीक्वेंसी अपन को पूछा है जी यहां पर, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अगर एक सिंपल स्ट्रेस्ड वायर है दोनों एंड्स पे अगर नॉट बन रहा है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए अपन लिखते हैं एफ इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट 2T बाय म्यू, है ना, काफी सिंपल सा रिलेशन है ये, और ये कह रहा है दोनों की लेंथ बराबर है ना, लेंथ सेम है दोनों की, तो फ्रीक्वेंसी का रेशो पूछा है। अब यहां जो म्यू है वो मास पर यूनिट लेंथ है, म्यू को अपन डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं रो इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हिच इज पाई आर स्क्वायर, तो म्यू को रो पाई आर स्क्वायर की टर्म में भी आप लिख सकते हो। तो अगर आपसे फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा है तो सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू अगर यहां रख दूं मैं यहां पर, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू यहां आ जाएगी अंडर रूट टी अपॉन में रो आर स्क्वायर, पाई वगैरह जो एल वगैरह वो सारे सेम हैं तो वो हट जाएंगे। अब जो कह रहा है उसको अपन देख लेते हैं, कह रहा है कि जो रेडियस है डेंसिटी जो है मतलब आर रो एंड टेंशन सारे ट्वाइस कर दिए अपने, है ना, टेंशन ऑफ वायर ए आर रेस्पेक्टिव ट्वाइस दोज ऑफ द वायर बी, तो ट्वाइस करोगे सीधी सी बात है, दूसरे वाले में अगर अपन देखें तो वो टूटी आएगा, है ना, सॉरी ये बी का है, ये बी का है, और ए की बात करें तो ए में जो है वो टेंशन टूटी आएगा, रो टू रो आएगा एंड रेडियस भी डबल हो गया, तो 4R² आ जाएगा, ठीक है, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, 4 बचेगा, 4 बार आ गया 1/2, राइट, तो 1/2 टाइम्स हो जाएगा किसका, ए और बी की जो फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है सीधी सी बात है वो 1/2 टाइम्स हो जाएगा, कम हो गया ना ये 1/2 टाइम्स हो जाएगा इसका, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। आइए, हैवी बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए मोटर कार थ्रू ए लाइट स्ट्रिंग, इट ट्रांसफर्स वेपर्स ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 सेंटीमीटर पर सेकंड ऑन द स्ट्रिंग व्हेन द कार इज एट रेस्ट एंड 62 सेंटीमीटर पर सेकंड व्हेन द कार एक्सेलरेट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज। देखिए ये कार है और इसमें ये थ्रेड जो है इससे आपने एक स्मॉल एम मास का जो भी है ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया, ठीक है। अब आपसे पूछे कि बताओ इसमें वेव पल्स अगर जनरेट करें तो इसमें स्पीड कितनी होगी वेव की, सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट टेंशन, टेंशन की वैल्यू एम जी आ जाएगी जो वेट होगा इसका, और अपॉन में म्यू मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये वेव स्पीड है। लेकिन जब आपने इसको एक्सेलरेट किया, इस तरफ एक्सेलरेट किया, तो सीधी सी बात है ये जो थ्रेड है ये इंक्लाइंड हो जाएगा, तो ओवरऑल जो यहाँ पर जो टेंशन लगेगा आप टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इफेक्टिव फोर्स देखें अपन यहाँ पर तो अंडर रूट में एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर हो जाएगा, तो टी की वैल्यू अंडर रूट एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर हो जाएगा, और टेंशन बढ़ गया है तो यहाँ पर जो वेव पल्स जनरेट होगी उस वेव पल्स की स्पीड भी चेंज हो जाएगी, तो स्पीड की वैल्यू अपन लिख सकते हैं वी डैश विच इज अंडर रूट एम, यहाँ जाएगा अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में तो आ गया होगा आपको, तो एम जी नीचे लगेगा, एम ए शूडो फोर्स पीछे लगेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर अपन इसका लें तो एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर का अंडर रूट टेंशन के बराबर आ जाएगा, तो ये टेंशन चेंज हो गया और म्यू तो सेम ही है। अब इन दोनों का रेशियो भी अगर अपन लें तो यहाँ से अपन कंपेरिजन कर सकते हैं किसमें, वी डैश और वी में, तो वी की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, और वी डैश की वैल्यू दे रखी है 62 सेंटीमीटर पर सेकंड, दोनों को डिवाइड करेंगे अपन तो एम और म्यू तो कट जाएगा, जी जो है वो अपन को 10 दे रखा है, सॉल्व करेंगे अपन, सॉल्व करने के बाद अपने पास जो जो एक्सेलरेशन कार का वो 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। A wave pulse is generated in a string that lies along the x-axis at a point A and B as shown in the figure. If RA and RB are the ratio of the wave speed to the particle speed respectively, then
आर ए आर बी में रिलेशन अपन से पूछा है, आर जो है वो क्या दे रखा है, रेशियो है वेव स्पीड का और पार्टिकल स्पीड का, ठीक है। एज वी नो पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो माइनस ऑफ वी, ठीक है, माइनस को मोड ले सकते हो, हटा सकते हो, वी डेल वाई बाई डेल एक्स होता है, डेल वाई बाई डेल एक्स स्लोप होता है। किसी भी इंस्टेंट पर जो भी कर्व दे रखा है आपको या जो भी वेव का जो डायग्राम दे रखा है एक्स के साथ वाई का, उसका स्लोप अपन को चेक करना होता है किसी भी इंस्टेंट पे, आपके पास वीपी आ जाता है, ठीक है। माइनस को हटा दो यहाँ से, तो हमसे हमसे पूछे वी बाई वी पी, वी बाई वी पी जो है वो प्रोपोर्शनल टू वन ओवर डी डेल वाई बाई डेल एक्स हो जाएगा। तो डेल वाई बाई डेल एक्स जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, सही है। तो ए पर देखो अगर आप ढंग से, तो ए पर टेंजेंट ड्रॉ करने पर स्लोप कम आ रहा है, बी पर टेंजेंट ड्रॉ करने से स्लोप ज़्यादा आ रहा है, तो स्लोप बी पर ज़्यादा है तो स्लोप अगर वी पे बी पे ज़्यादा है तो सीधी सी बात आर की वैल्यू बी पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ए पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ए वेव मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग पासेस द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू जीरो विद एम्पलीट्यूड ए नॉट विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट एंड एवरेज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पी नॉट। एज द वेव ट्रेवल्स डाउन द स्ट्रिंग इट ग्रेजुअली लूजेस एनर्जी एंड एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू एल द एवरेज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिकम्स पी नॉट बाई टू एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू एल। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड आर रेस्पेक्टिवली। देखो कुछ ऐसा है, ये स्ट्रिंग है, यहां पर जो एवरेज जो एनर्जी का जो रेट जो ट्रांसफर है वो पी नॉट है, और एम्पलीट्यूड यहां पे कितना है, ए नॉट। वेव आपने यहां से जनरेट की है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और कह रहा है कि वेव स्पीड पूरे में सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। और जो वेव यहां पहुंचेगी, मान लीजिए एक्स बराबर एल वाला पॉइंट है, यहां पर जो जो एनर्जी का जो रेट है, जिस रेट से एनर्जी फ्लो कर रही है, वो पी नॉट बाई टू हो गया, हाफ हो गया। ओके, स्पीड में कोई फर्क नहीं आ रहा, यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट है और यहाँ पूछा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो सीधी सी बात है, मीडियम सेम है, ठीक है, और इवन मीडियम भी डिफरेंट हो तो ये ध्यान रखना जो फ्रीक्वेंसी है वेव की वो कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज होगी, तो यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा नोट है ना तो इस पॉइंट पर भी ओमेगा नोट रहेगी, कन्फर्म है। अब बात आती है एम्पलीट्यूड की। देखो पावर जो है, पावर की बात करें तो सीधी सी बात है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, ओमेगा स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो स्पीड वगैरह जो है वो तो कांस्टेंट है, यहाँ पर स्पीड सेम है, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी बदल नहीं रही तो वो भी सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर पावर अगर पी नॉट एंड देन एम्पलीट्यूड अगर ए नॉट है, तो यहाँ पर अगर पावर पी नॉट बाई टू है ना तो एम्पलीट्यूड डेफिनेटली ए नॉट बाई रूट टू होगा, तभी तो स्क्वायरिंग करोगे तो पी नॉट बाई टू आएगा। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड यहाँ पर ए नॉट बाई रूट टू आएगा एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, एट्थ पे आइए। फॉर ए वेव डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 केजी पर मीटर क्यूब, वेलोसिटी इन एयर 340 मीटर पर सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी इज 2000 हर्ट्ज, द इंटेंसिटी ऑफ वेव इज। देखो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड दे रखा है इस लॉन्गिट्यूडनल वेव का, ठीक है, जो भी वेव प्रोपेगेट कर रही है एयर के अंदर। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी, ठीक है, इस वे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। वी इस वेव स्पीड है, गिवन आपको देखो 340 ये रख देंगे यहाँ पर, ओमेगा जो है वो 2πf होता है, 2πf, तो 2πf का स्क्वायर कर देंगे, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 2000 हर्ट्ज, 2π भी कांस्टेंट जो भी है, एम्पलीट्यूड आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है 10⁻⁸, ये भी दे रखा है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। रो डेंसिटी ऑफ एयर भी आपको दे रखी है 1.3 केजी पर मीटर क्यूब, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इससे अपने पास वैल्यू आएगी फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, 3.5 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। केवल कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। व्हेन टू वेव्स ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी बट हैविंग ए फेज डिफरेंस ऑफ फाई ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स इंटरफेयर देन, ओके, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द सिंगल वेव बट द फ्रीक्वेंसी विल बी द सेम, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी विल बोथ बी ट्वाइस दैट ऑफ द सिंगल वेव, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल डिपेंड ऑन द फेज एंगल व्हाइल द फ्रीक्वेंसी विल बी द सेम, द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड द रिजल्टेंट वेव विल डिपेंड अपॉन द फेज एंगल। देखो दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, इसका मतलब कोरेंट वेव्स है, दूसरा उनके बीच में फेज डिफरेंस फाई का दे रखा है आपको। लेट्स से कि एक इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, एक्स वन या वाई वन ले लें अपन, है ना, वाई वन पहले वाली जो वेव है उसके लिए मैंने इक्वेशन लिख दी, सेम एम्पलीट्यूड है तो ए साइन
kx minus omega t. ठीक है, दूसरी जो वेव है उसके लिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ a सेम एम्पलीट्यूड a sin kx minus omega t plus phi, फेज एंगल phi है, मतलब फेज डिफरेंस phi है इनके बीच में. अब दोनों को अगर आप इंटरफेयर करोगे, दोनों को सुपरइंपोज करोगे y1 plus y2, sinusoidal फंक्शन जो होते हैं उनको जब ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी sinusoidal फंक्शन ही आता है. तो y1 plus y2 करोगे तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ पर देखो ये a है, इसका भी a है ना, इनके बीच में फेज डिफरेंस phi का है, तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो a डैश लिख दो, sin sin तो यहाँ sin लिख दो, kx minus omega t as it is आ रहा है, इसको as it is लिख दो आप, और प्लस में कुछ एंगल थीटा. और जो a डैश है ना, a डैश की वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं वेक्टर मेथड से, a1 स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos cos phi, राइट, फेज डिफरेंस phi है, तो इस वे से अपन आसानी से a डैश की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. लेकिन एक चीज देखो, जो भी रिजल्टेंट वेव आएगी उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आने वाला, वेवलेंथ में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, बट एक एक्स्ट्रा एंगल आ जाएगा थीटा, और एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी कर सकता है कुछ भी, वो डिपेंड करेगा कि phi क्या है. तो पहला ऑप्शन तो कह रहा ट्वाइस होना, तो ये कोई मस्ट नहीं है, जरूरी नहीं है, वो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तभी पॉसिबल है. दूसरे में भी कह रहा है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी डबल नहीं हो सकती, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. थर्ड में कह रहा है द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल डिपेंड ऑन द फेज एंगल, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस पे, वाइल द फ्रीक्वेंसी विल बी द सेम, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है. फोर्थ में कह रहा फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव विल डिपेंड ऑन द फेज एंगल, ये गलत हो गया. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा, थर्ड आ जाएगा. Question number 10. The following figure depicts a wave traveling in a medium. Which pair of the particles are in the phase? Same phase में कौन से particle हैं? देखो एक चीज simple सी है. ये wave इस तरफ जा रही है ना? वैसे दे तो नहीं रखा अपन को. किसी भी तरफ आप consider कर सकते हो. अगर मैं इस तरफ consider करूं भी, तो ध्यान देना हल्का सा इसको shift कर लो. ठीक है? फिर आप ये ऑब्जर्व करो कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम उनका डिस्प्लेसमेंट भी है. तो अगर आप गौर करो तो ए तो ऑब्वियसली जो है वो नीचे जाएगा, बी की बात करें तो बी देखो ऊपर जा रहा है यहाँ तक, और जो जी है जी भी देखो ऊपर जा रहा है, देखो एफ जो है नीचे आ रहा है, ई भी नीचे आ रहा है देखो, है ना, और सी जो है ऊपर जा रहा है और डी जो है वो भी ऊपर जा रहा है. अगर आप गौर से देखो सेम फेज का मतलब वो डिस्प्लेसमेंट सेम एंड वेलोसिटी भी सेम. ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो सी यहां पे जा रहा है, सी के साथ में अगर ई को देखो तो ई नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली ये अलग होगा मामला, सेम फेज में नहीं होंगे. डी की बात करें, डी ऊपर जा रहा है, इसके साथ में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है जो कि सेम डिस्प्लेसमेंट हो उसका, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है. बी और जी की बात करें तो बी और जी का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, कुछ टाइम बाद देखें तो बी यहां आएगा और जी यहां आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है. देखो इसका मतलब बी और जो जी है ना वो सेम फेज में हो जाएंगे, बहुत ही आसान है ऐसा फाइंड करना, डायग्राम दे रखा हो तो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. 11. ए वेव रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y equals to a cos kx minus omega t superposed with another wave to form a stationary wave such that the point x equals to 0 is a node. x बराबर 0 पे नोड बन रहा है, और अगर नोड है तो वहां पर y रिजल्टेंट जो है ना, देखो एक तो वेव इधर की तरफ आएगी, एक वेव इस तरफ आ रही है, ठीक है, ये वाली वेव, दोनों को सुपरपोज करें तो यहां पर x बराबर 0 जो है वहां पर वाई आई इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव, दोनों को सुपरपोज करने से वहां पे नोड बनना चाहिए, और नोड तभी बनेगा जब वाई आई प्लस वाई आर, आर कह दो इसको, दोनों का रिजल्ट क्या है, जीरो है, ऑलवेज जीरो है किसी भी टाइम पर एक्स इक्वल टू जीरो पर. ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, ए कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ध्यान रखना जो रिफ्लेक्टेड वेव या ये कह सकते हो जो इधर से जो वेव आ रही है उसके लिए kx plus omega t होगा. क्यों? क्योंकि वो वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन प्रोपगेट कर रही है, तो kx plus omega t को पहले देखो सबसे पहले, तो वो इसमें भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये गलत कर दो, ये भी गलत हो गया, ये दोनों वैसे ही हट गए. अब ये दोनों बचे, अब इनमें पहचान करनी है आपको, तो आपको क्या करना है, t की तो कोई भी वैल्यू रख दो, x बराबर 0 रखना आपको, तो x बराबर 0 अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू a cos kx, है ना, तो सॉरी x बराबर 0 है, एक सेकेंड, y बराबर y i है a, x बराबर 0 रखो तो a cos माइनस ओमेगा t, ये आ गया. ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा t पता ही, प्लस ही रहता, तो a cos ओमेगा t आएगा ये, और y r जो है उसमें अगर आप देखो x बराबर 0 रखो यहाँ पर तो a sin ओमेगा t आ रहा है, और a sin omega t को जो कि y r है उसको अगर y i के साथ ऐड करूं तो a cos omega t plus a sin omega t आएगा, जो कि जरूरी नहीं है, जीरो ऑलवेज. लेकिन अगर मैं इस वाले फंक्शन को अगर इसके साथ ऐड करूं, ठीक है, तो x बराबर 0 रख दो, 0 रखोगे तो माइनस का a cos omega t आया ना, तो माइनस a cos omega t, अब इन दोनों को ऐड करो तो 0 ही आएगा, चाहे टाइम कुछ भी हो,
तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन 12। इक्वेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव एंड ट्रैवलिंग वेव आर y1 equals to a sin kx cos omega t एंड y2 equals to a sin omega t minus kx। The phase difference between the two points x1 and x2, two points are phi1 and phi2 respectively for the two waves, then the ratio phi1 to phi2 is. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, एक तो है अपने पास ट्रैवलिंग वेव। सबसे पहले ट्रैवलिंग वेव के लिए देख लेते हैं फेज डिफरेंस कितना आएगा। दो पॉइंट दे रखे हैं अपन को, तो सबसे पहले अपना क्या काम रहेगा, x2 माइनस x1 करो, पाथ डिफरेंस आएगा। सो ये मैं किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग वेव के लिए, जिसका फेज जो डिफरेंस है वो phi2 है, तो phi2 कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। सो पाथ डिफरेंस इज x2 माइनस x1 विच इज डेल्टा x एंड 3π/2k माइनस π/3k। इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, गुणा भाग 6 के आ गया ये 3 3 3 9 और ये आ जाएगा 2π, तो वैल्यू आ गई अपने पास 7π/6k। के की जो वैल्यू होती है वो 2π/λ होती है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, देन वी हैव 7λ/12। सो दिस इज पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस जो phi2 है वो phi2 कितना आएगा, phi2 इक्वल्स टू 2π/λ इंटू डेल्टा x, है ना, ये रिलेशन आपको मालूम होगा। तो फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में रिलेशन आपको पता होना चाहिए, विच इज 2π/λ इंटू डेल्टा x, फेज डिफरेंस जो है, और डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी 7λ/12। तो लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हुआ, देन ये 2 से 6 कट कर दो, तो 7π/6 आ गया। सो वी हैव phi2 7π/6 किसके लिए, ट्रैवलिंग वेव के लिए। अब phi1 है ये स्टैंडिंग वेव के लिए, स्टेशनरी वेव के लिए। स्टेशनरी वेव में खास बात होती है, वो वेव ट्रैवल करते हुए नजर नहीं आती, उसमें ऐसा लगता है मीडियम के पार्टिकल केवल ओसिलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन ये वाली है, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर टी बराबर जीरो पे, अगर मैं ड्रॉ करूँ टी बराबर जीरो अगर ड्रॉ करूँ तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो इसकी इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा ना, साइन का, ए साइन के एक्स का। तो ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ऑलवेज नोड रहेंगे ये, है ना, इनका डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं होगा। तो कुछ देर बाद में देखेंगे, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो इस इन दोनों अगर लूप्स की बात करूँ तो ये यूँ ऑसिलेट होंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि x1 कहाँ पे है। x1 की बात करें तो π/3k है, तो π/3k, के की वैल्यू 2π/λ होता है, लैम्डा ऊपर ले जाओ, पाई से पाई कटा, तो λ/6 आ गया। ये कितना होता है, ये पूरा लैम्डा होता है, ये λ/2 होता है, और λ/6 कहीं ना कहीं इसी रीजन में प्रेजेंट होगा, तो पार्टिकल कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, λ/6, ओके। दूसरा पॉइंट देखें 3π/2k, 3π/2k देखें तो 3π/2k, के की वैल्यू अगेन 2π/λ, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 3λ/4, 3λ/4 λ/2 से ज़्यादा होता है, λ/2 ज़्यादा होता है, मतलब वो पॉइंट जो है पक्का कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। और अगर ये दोनों पॉइंट इन दोनों नोड के आजू बाजू में, ये नोड है, नोड के आजू बाजू में है, तो नोड के आजू बाजू में जो पॉइंट्स होते हैं जस्ट पास वाले, तो वो हमेशा पाई के फेज डिफरेंस में होते हैं, एक ऊपर जा रहा होता है, एक नीचे जा रहा होता है, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का होता है, पाई का होता है। तो ये पाई का फेज डिफरेंस आ गया phi1, तो phi1 इज पाई, और इसमें इसको डिवाइड कर दें तो पाई अपॉन में 7π/6 करोगे तो कितनी वैल्यू आ गई, 6/7, तो फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वन एंड ऑफ टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब डेंसिटी सेम है, एंड ऑफ द सेम लेंथ, लेंथ भी सेम है, विद रेडियस आर एंड टू आर जॉइंट टुगेदर, द वायर इज यूज्ड एज सोनोमीटर वायर एंड द जंक्शन इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू ब्रिजेस। The tension T is applied to the wire. If at a junction a node is formed, then the ratio of the number of loops formed in the wires will be. देखो, ये दो ब्रिज हैं। यहाँ पर एक वायर लिया है, ठीक है, जो कि थिन वायर है, रेडियस आर है, और एक वायर थिक लिया है हमने। लेंथ दोनों की सेम है, अगर इसकी एल है तो इसकी भी एल है, ठीक है, तो टेंशन भी ऑब्वियसली पूरे स्ट्रिंग के अंदर सेम होगा। यहाँ पर ये कह रहा है अगर यहाँ नोड बने, जहाँ जंक्शन है वहाँ पर अगर नोड फॉर्म हो, यहाँ तो कन्फर्म नोड बनेगा, यहाँ नोड बनेगा। और ये ध्यान रखना, पूरे वायर के अंदर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो सेम रहेगा, वो डिपेंड करेगा सोर्स के ऊपर। तो मान लो कि इसमें जो है वो सपोज एन लूप्स बन रहे हैं, है ना, स्टैंडिंग वेव के एन लूप्स बन रहे हैं, और इसमें भी कई सारे लूप्स बन रहे हैं मान लो, ठीक है, इसमें मान लो एम लूप्स बन रहे हैं, इसमें एन लूप्स बनेंगे, इसमें एम लूप्स बनेंगे, तो उसमें देखना है कि रेशियो क्या आएगा लूप्स का, वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, अब जैसे इसमें अगर मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करूं, f इक्वल्स टू 1/2l, सॉरी n ओवर 2l, n नंबर ऑफ लूप्स है, बाय 2l, अंडर रूट, टेंशन तो सेम होगा, अपॉन में म्यू, म्यू है लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास अपॉन में लेंथ, जिसको म्यू अपन बोलते हैं। तो म्यू को मैं रो इंटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, मतलब ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो म्यू इक्वल्स टू रो इंटू ए होता है, ठीक है। ये तो हो गया वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, ये हो गया लीनियर मास डेंसिटी, और ये ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जिसको मैं पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ।
तो पाई आर स्क्वेयर, पहले वाले का रेडियस आर है तो ये आर स्क्वेयर हो गया, ठीक है, ये तो फ्रीक्वेंसी होगी। अब सेम फ्रीक्वेंसी इसकी भी होनी चाहिए। अब इसके लिए नंबर ऑफ लूप्स मैंने एम मान लिए, तो एम अपॉन में लेंथ तो वही 2L है, अंडर रूट टेंशन टी अपॉन में। अब इस ये मटेरियल सेम है तो रो सेम होगा, पाई रेडियस डबल होगी ना, तो 2R है तो 4R स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये 4 को आप बाहर ला सकते हो, यहाँ से 4 यहाँ आ जाएगा, 2 बचा। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, बाकी सारी क्वांटिटी सारी कैंसिल हो जाएगी, 2 उधर चला जाएगा। तो या n बाय m की वैल्यू पूछी अपन से, तो n बाय m नंबर ऑफ लूप्स का जो रेशियो n बाय m इक्वल्स टू 1 बाय 2 आ गया। इन दोनों की इक्वेट कर लो, खत्म। तो फर्स्ट ऑप्शन का जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें, 14th। एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी रो इज हंग फ्रॉम ए थिन स्टील वायर, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव इन द वायर इज 300 हर्ट्ज, द ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन वाटर सो दैट 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड, द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज इज। सीधी सी बात है, वाटर के अंदर इमर्ज करोगे आप तो टेंशन जो चेंज हो जाएगा, बायंसी फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स चेंज होगा, स्पीड भी चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो इनिशियली क्या है, इसको आपने यहाँ से लटका दिया, इसका जो भी मास पर यूनिट लेंथ वो म्यू मान लो, यहाँ से ब्लॉक अटैच कर दिया एम मास का, इसका वॉल्यूम वी मान लो, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रो है, वाटर की डेंसिटी मैं एक काम करता हूँ 1 मान लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो कट जाएगा, तो 1 मानूँ तो इसका जो मास आएगा वो कितना आएगा, रो वॉल्यूम वी इंटू जी, यहाँ 1 साइड में है, ठीक है, या रो डब्ल्यू भी लिखना चाहो रो डब्ल्यू लिख सकते हो। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअल में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है। तो मैंने डायरेक्ट इसको 1 मान करके रो वी जी कर दिया, क्योंकि रेशियो लेने वाले हैं अपन, वो वैसे भी कट जाएगा, तो रो वी जी आ गया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करूँ, तो अपनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करूँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज, तो कितना आएगा, 300 इज इक्वल टू 1/12 अंडर रूट टी टेंशन, एंड हियर टेंशन इज रो वी जी, है ना, अपॉन में म्यू, ठीक है, म्यू और 12 तो वैसे भी सेम आना है। अब आपने इसको क्या लिक्विड में इमर्ज कर दिया, लिक्विड में इमर्ज करोगे तो जो वाटर है इस पर बायंसी फोर्स लगाएगा, अब आधा इमर्ज किया तो बायंसी फोर्स कितना आएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसको मैंने 1 माना है, 1 इंटू में वॉल्यूम वी बाई 2 इंटू जी, अपवर्ड लग जाएगा। तो अब फ्रीक्वेंसी एफ मान लीजिए, लेंथ वही है 2L अंडर रूट, यहाँ पे फोर्स कितना आएगा डाउनवर्ड, रो वी जी तो लग ही रहा था, माइनस अब बायंसी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ वी बाई 2 इंटू जी, है ना, अपॉन में म्यू, ये आ गया। अब इन दोनों का रेशियो ले लो आप, तो 300 अपॉन में एफ इज इक्वल टू, बाकी सारा कट जाएगा, यहाँ आ गया अंडर रूट के अंदर रो वी जी, सही है, और अपॉन में इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 2 रो वी जी माइनस वी जी, ठीक है, और बाई 2 ऊपर चला गया। तो यहाँ से देखो वी जी वी जी वी जी कैंसिल आउट हो गया, है ना, एफ की वैल्यू पूछी थी 2 माइनस 1 अपॉन में 2 रो की पावर 1/2 और 300 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा। 15th, a circular loop of rope of length L rotates with a uniform angular velocity omega about an axis through its center on a horizontal smooth platform. Velocity of pulse with respect to the rope produced due to the slight radial displacement is given by. देखो हल्का सा भी अगर आप पल्स जनरेट कर दो यहाँ पर, इस पल्स की विद रेस्पेक्ट टू रोप जो है स्पीड कितनी होगी, स्पीड हमसे पूछी है, ठीक है, कर सकते हैं। देखो टेंशन निकालना पड़ेगा यहाँ पर, तो देखो टेंशन अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ, टेंशन कितना होगा, जैसे लेट से इसकी रेडियस अगर आर है, तो इसको अगर पॉइंट मान लूँ मैं, तो इस पर सेंट्रिपिटल फोर्स कितना लगा, लेट से मास ऑफ द रोप इज एम, ठीक है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, और अपॉन में 2 पाई कर दो, यही टेंशन होगा। तो ये सिंपल एक ट्रिक है, इससे आप टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो टेंशन आ गया, और मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो टेंशन अपॉन में मास पर यूनिट लेंथ। अब मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, एम बाय एल, राइट, एम बाय एल, एल जो है वो 2 पाई आर हो जाएगा। वैसे एल ही के टर्म्स में हमें आंसर देना है, तो मैं एल यहाँ रख देता हूँ, एल ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एम सी एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं एल जो है वो सर्कमफ्रेंस है, तो 2L बराबर 2 पाई आर, तो आर बराबर कितना आ गया, एल अपॉन 2 पाई, ठीक है, आर बराबर एल अपॉन 2 पाई, तो ये आर की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, एल बाय 2 पाई, 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, लो जी, तो ओमेगा स्क्वायर एल इंटू एल, एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा एल अपॉन में 2 पाई। ये अपने पास जो है लीनियर स्पीड आ जाएगी वेव की विद रेस्पेक्ट टू रो, तो सेकंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। ए सोनोमीटर वायर इज डिवाइडेड इन मेनी सेगमेंट यूजिंग ब्रिजेस इफ फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सेगमेंट्स आर n1 n2 n3
देन द फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एंटायर सोनोमीटर वायर विल बी. देखो अगर आपने अलग अलग सेगमेंट में उसको डिवाइड किया ब्रीजेस के थ्रू, तो एक चीज तो कंफर्म है, फ्रीक्वेंसीज फंडामेंटल मान लीजिए अलग अलग इसने ली है यहाँ पर, लेकिन टेंशन सब में क्या होगा, सेम होगा, मटेरियल सेम है वायर का. जैसे एन वन की बात करूँ तो एन वन कितना आएगा, एन वन आएगा वन ओवर, लेट से लेंथ एल वन है सेगमेंट की, तो वन ओवर टू एल वन अंडर रूट टी बाय म्यू, तो टी बाय म्यू. एन टू की बात करें तो वन ओवर टू एल टू अंडर रूट टी बाय म्यू, टी बाय म्यू तो सेम ही आएगा सब में. इसको आप है ना कुछ कॉन्स्टेंट मान लो एल्फा, वन बाई टू भी उसके अंदर इंक्लूड कर लो, तो एल्फा बाय एल वन आ गया. सो यार एल वन इज एल्फा बाय एन वन. सिमिलरली से एल टू इक्वल्स टू एल्फा बाय एन टू, इस तरीके से सबके सब चलते रहेंगे. अब मुझे अगर पूरे कंप्लीट वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो एन बराबर वन ओवर कंप्लीट लेंथ टू एल अंडर रूट टी बाई म्यू, ये आएगा. और इस वाले पार्ट को पूरे को मैंने एल्फा माना है, तो ये एल्फा बाई एल आ जाएगा, सही है. अब देखो इसको अगर मैं पलट दूँ तो वन ओवर एन किसके बराबर आया, एन एल्फा एल एल बाय एल्फा, राइट, एल बाय एल्फा. तो एल को मैं लिखूंगा ना एल वन प्लस एल टू प्लस एंड सो ऑन अपॉन में एल्फा, तो एल वन बाय एल्फा कितना आ जाएगा, एल वन बाय एल्फा इज वन ओवर एन वन, एल वन बाय एल्फा इज वन ओवर एन वन. तो वन ओवर एन इक्वल्स टू वन ओवर एन वन, एल टू बाय एल्फा एल्फा इज इक्वल टू वन ओवर एन टू. तो इस वजह से ये चलता रहेगा. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा. A heavy but uniform rope of length L is suspended from a ceiling. A particle is dropped from the ceiling. At the instant when the bottom end is given the jerk, where will the particle meet the pulse? देखिए, string consider की हमने, ठीक है? और यहाँ पर आपने एक pulse generate की, ठीक है? और ये massful कह सकते हो आप rope है, ठीक है? तो इसमें pulse generate होगी, pulse ऊपर की तरफ जा रही है. Suppose, मान लीजिए x height पे ये pulse पहुँची, यहाँ पे. इस pulse की speed है v. सबसे पहले अपने v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो v कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पे टेंशन चाहिए होगा. टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रोप इज म्यू. तो ये बताइए x लेंथ का मास कितना होगा, x लेंथ का मास आ जाएगा m बराबर म्यू इंटू एक्स, सही है. तो यहाँ पर जो टेंशन आएगा t, वो t इसके वेट के इक्वल होगा. तो टेंशन t इक्वल टू आ जाएगा mg, विच इज म्यू जी एक्स, सही है. तो यहाँ पर जो वेव स्पीड v आने वाली है अपने पास, उसको लिख सकता हूँ अंडर रूट टी बाई म्यू, एंड यर टी इज म्यू जी एक्स बाई म्यू. म्यू से म्यू कैंसिल आउट हुआ, देन वी हैव वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एक्स. ये वेलोसिटी आ गई या वेव स्पीड आ गई ऊपर की तरफ, जो लगातार इंक्रीज होगी एक्स बढ़ेगा. तो अब एक काम करते हैं, इस वेव पल्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं. तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए वेव पल्स का एक्सेलरेशन है ये, तो मैं लिख सकता हूँ वी डी वी बाई डी एक्स. तो इसको डिफरेंशिएट करें, वी की वैल्यू अंडर रूट जी एक्स, और डी वी बाई डी एक्स करें तो अंडर रूट जी का अंडर रूट जी बाहर आएगा, अंडर रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स. ये रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया, रूट जी रूट फ्री हो गया जी बाई टू. तो वेव पल्स की जो का जो एक्सेलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो जी बाई टू के इक्वल है, ठीक है, जी बाई टू के इक्वल है. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए. देखो यहाँ से एक पार्टिकल को रिलीज किया, इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो. वेव पल्स को आपने यहाँ से जनरेट किया, यहाँ पर एक्स जीरो है, तो वेव पल्स की स्पीड यहाँ पे जीरो होगी. तो इनिशियल स्पीड दोनों की जीरो है, वेव पल्स की भी जीरो है, पार्टिकल की भी जीरो है. बट एक्सेलरेशन की बात करें, पार्टिकल का एक्सेलरेशन जी है और वेव पल्स का ऊपर की तरफ जी बाई टू है. तो रिलेटिवली अगर अपन बात करें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा जी प्लस जी बाई टू, अपोजिट है ना. तो ए रिलेटिव जो है अपने पास वो थ्री जी बाई टू आ गया, ठीक है. रिलेटिव सेपरेशन की बात करें, वो एल के बराबर है. तो कितने टाइम बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो रिलेटिव मोशन से आप कर सकते हो. रिलेटिवली अगर अपन इक्वेशन लगाएंगे, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, तो सेपरेशन कितना है एल, यू तो जीरो ही है रिलेटिव. तो हाफ एक्सेलरेशन इज थ्री जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर. यहाँ से टी की वैल्यू कितनी है अपने पास, फोर एल बाय थ्री जी का अंडर रूट. इतने टाइम बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. अब ये कितनी हाइट पे करेंगे ये पता करना अपन को, ठीक है. तो यहाँ से ये पार्टिकल आया, वेव पल्स आई, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पहुँचा, वेव पल्स यहाँ पहुँच गई, ठीक है. तो पार्टिकल के लिए लगा लेते हैं चलो. तो पार्टिकल कितना नीचे की तरफ आया, उसकी हाइट या उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ वन बाई टू, यू तो जीरो है, वन बाई टू जी जिसे गिर रहा है, इंटू में टी स्क्वेयर. टी स्क्वेयर करेंगे तो फोर एल बाय थ्री जी हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, जी से जी कैंसिल आउट हुआ, टू से इसे कट कर दो, तो वैल्यू कितनी आई, टू एल बाय थ्री. तो इसका मतलब ऊपर से नीचे तक ये कह सकते हो 2l by 3 जो डिस्टेंस है वहां पर ये दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है. तो एट ए डिस्टेंस 2l by 3 फ्रॉम द बॉटम, ना बॉटम से तो l by 3 बचेगा क्योंकि ये कंप्लीट l है, तो 2l by 3 सबट्रैक्ट कर दो, l by 3 आ जाएगा. एट ए डिस्टेंस l by 3 फ्रॉम द बॉटम है ना, ये सेकंड ऑप्शन में l by 3 फ्रॉम द बॉटम है. एट डिस्टेंस 3l by 4 फ्रॉम द बॉटम, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फिर फाइनली सेकंड हो जाएगा, ठीक है.
Okay, next question. Graph shows three waves that are separately sent along a string that is stressed under a certain tension along x-axis. Tension same है तीन waves के लिए, t की value same है, ये ध्यान रखना. और graph अपन को y का x के साथ दे रखा है. Omega 1, omega 2, omega 3 are their angular frequencies respectively. ठीक है, देखिए tension same है जी, और इसका मतलब speed भी same होगी v. v बराबर f lambda होता है, v बराबर under root t by mu होता है. Tension same है, म्यू सेम है, ठीक है, और सेम स्ट्रिंग है तो म्यू सेम ही होगा, तो वी सेम रहेगा. और वी बराबर कितना होता है, एफ इंटू लैम्डा, एफ फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है. तो अब ये देखना है अपन को कि लैम्डा जो है वो किस किस का सेम है. अगर आप वन को देखो तो वन को देख लो और थ्री को देखो, तो वन और थ्री का लैम्डा सेम है. तो वन और थ्री का जब लैम्डा सेम है और वी तो तीनों का ही सेम है, तो फ्रीक्वेंसी भी वन और थ्री का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी वन और थ्री का सेम है, तो वन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी थ्री के बराबर है, जो कि इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है और इवन इसमें भी मिल रहा है अपन को. अब टू की बात करें, टू का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, देखो यहां तक जा रहा है, वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, ओमेगा कम हो जाएगा. तो जो टू है उसका ओमेगा डेफिनेटली कम होना चाहिए. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फिर फाइनल क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा. आइए 19th, a certain transverse sinusoidal wave of wavelength 20 cm is moving in the positive x direction. The transverse velocity of the particle at x equals to 0 as function of time is shown. The amplitude of the motion is. A की value पूछी अपन से, तो सीधी सी बात है, v दे रखा अपन को, particle की जो velocity होती है उसकी maximum value कितनी होती है, SHM है ये, omega into a, a is displacement amplitude, vp क्या है, vp maximum value है, velocity time curve जो है ना उसका amplitude है, आप ये कह सकते हो. तो VP की मैक्स वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और सेंटीमीटर में आंसर दे रखा, तो इसको 5 लिख दो. ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विच इज 2 पाई बाय कैपिटल टी, कैपिटल टी टाइम पीरियड, एक ओसिलेशन, एक ओसिलेशन यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, 4 सेकंड है, तो यह जाएगा 4 डिवाइड में, ए एम्पलीट्यूड है, इससे कट कर दो, ये 2 से 2 कट हुआ, ये 10 हो गया, 10 बाय पाई सेंटीमीटर आ गया, तो 10 बाय पाई इज द करेक्ट आंसर. आइए 20th क्वेश्चन पे आ जाइए. द सेम प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय टू ग्राफ्स, फर्स्ट एंड सेकंड. ग्राफ वन शोज हाउ द डिस्प्लेसमेंट वाई वेरीज विद द डिस्टेंस एक्स अलोंग द वेव एट ए गिवन टाइम. ग्राफ टू शोज हाउ वाई वेरीज विद टाइम टी एट गिवन पॉइंट ऑन द वेव. द रेशियो ऑफ मेजरमेंट ए बी टू सी डी मार्क्ड ऑन द कर्व्स रिप्रेजेंट्स एज. ठीक है, वेव नंबर को बताएगा, वेव स्पीड को बताएगा, फ्रीक्वेंसी को बताएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बताएगा, ये देखना है अपन को. ए बी और सी डी को पता करना है. देखिए ये वाई और एक्स का ग्राफ है ना, जहां पर एक ओसिलेशन कंप्लीट हो रहा है ना, ये होता है वेव लेंथ लैम्डा, और ये वाई और टी के बीच में है, तो ये कैपिटल टी को बताता है, ये ध्यान रखें हमेशा, ये कैपिटल टी, एक ओसिलेशन कैपिटल टी. ठीक है, ये कैपिटल टी को बताएगा, वो लैम्डा को बताएगा. और अपन से पूछा ए बी टू सी डीज, लैम्डा बाई टी, लैम्डा बाई टी वन ओवर टी एफ होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो लैम्डा इंटू एफ क्या होता है, वेव स्पीड. तो वेव स्पीड को ये बताएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा. इसमें पे आइए, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज y equals to 2a sin omega t cos kx. इन द इक्वेशन क्वांटिटी ओमेगा बाय k रिप्रेजेंट्स. देखिए जी, ओमेगा इज इक्वल टू k इनटू v होता है जी. ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, k एंगुलर वेव नंबर, और v होती है स्पीड, वेव की स्पीड. तो ओमेगा बाय k किसको बताएगा, वेव स्पीड को, जो वेव ट्रैवल कर रही है. कौन सी वेव स्पीड, देखो स्टैंडिंग वेव में तो अपन को ट्रैवलिंग वेव नजर ही नहीं आएगी, लेकिन दो ट्रैवलिंग वेव का सुपरपोजिशन होता है उसके अंदर. ठीक है, तो ये जो स्पीड है ना, ये दोनों ट्रैवलिंग वेव की स्पीड है. स्टैंडिंग वेव तो अपन को केवल ओसिलेशन दिखेगा. ठीक है, द स्पीड ऑफ द आइदर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेव, कंपोनेंट वेव्स, तो कंपोनेंट वेव्स बोलते हैं उनको, वो दोनों कंपोनेंट वेव्स है, उनकी स्पीड को ये बताएगा. बाकी इसमें से कोई सभी सही नहीं है, आप पढ़ सकते हो. A wave travels on a light string. The equation of the wave is y equals to a sin kx minus omega t plus 30 degree. It is reflected from a heavy string tied to an end of the light string at x equals to 0. If 64% of incident energy is reflected, the equation of the reflected wave is. Reflected wave ki equation puchi hai. ऐसा कैसा, same question हमने पहले भी किया था. लेकिन ध्यान रखना 64% जो है incident energy का reflect होता है. Energy अपन जानते हैं amplitude के square के proportional होता है. तो इंसिडेंट वेव की जो एनर्जी है वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, रिफ्लेक्टेड वेव की जो एनर्जी होगी वो ए आर, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड लिया, ए आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी. और ये कह रहा है कि ये जो एनर्जी है ये इसका 64% है, तो अंडर रूट करोगे सीधी सी बात है, ए आर जो है वो कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा. ठीक है,
बाकी फ्रीक्वेंसी वगैरह में कोई डिफरेंस आता नहीं है, स्पीड भी सेम रहती है। हालांकि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इन फैक्टर्स पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, भले खाली एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड 8 टाइम्स हो गया तो 64% तो 64/100 आएगा, तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.8 तो आने वाला है ही यहाँ पर, ये तो आ ही रहा सब में। अब बात आती है x बराबर 0 पर क्या बन रहा है, x बराबर 0 पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और वो भी रिजिड एंड एक तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हो, परफेक्टली रिजिड नहीं है लेकिन लाइट से हैवी में जब जाते हैं तो वो एक तरीके से रिजिड की तरह ही बिहेव करता है, पार्शियल रिजिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो वहां ध्यान रखना, x बराबर 0 पर आपने क्या मान के चलना है, आपने ये मान के चलना है कि सपोज 100% वेव जो रिफ्लेक्ट होगी, मतलब रिजिड एंड अगर मैं मान लूं यहां पर, तो रिजिड एंड मानने से वहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आपको क्या करना है, ये तो वैल्यू आई गई 0.8, अब इसको साइड में कर दो। अब ये मान के चलो कि 100% एनर्जी जो रिफ्लेक्ट होगी सपोज, तो जो x बराबर 0 है ना वो एक रिजिड एंड है, परफेक्टली रिजिड एंड है, और परफेक्टली रिजिड एंड का मतलब हुआ उस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसको भी a मान लो एक बार के लिए, एंड देन है ना x बराबर 0 रख दो, इसमें 0 रखोगे, x बराबर 0 रखने पे इक्वेशन क्या बनेगी, a sin माइनस का ओमेगा टी प्लस 30, माइनस कॉमन ले लो बाहर, तो माइनस ओमेगा टी माइनस 30 आ गया। ये बहुत ही आसान है, आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये वैल्यू आ गई। अब रिफ्लेक्टेड वेव क्या होनी चाहिए, पहली बात तो वेव जो इंसिडेंट वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन प्रोपोगेट कर रही है, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए के एक्स प्लस ओमेगा टी आना चाहिए, ये तो देख लो आप। तो इसमें भी आ रहा है और एक इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है। अब इन तीनों को चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो एक्स बराबर जीरो पे वाई आई इंसिडेंट वेव और वाई आर दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक्स बराबर 0 इसमें रख के देख लो, इसमें रख के देख लो, इसमें रख के देख लो, जैसे सबसे पहले वाले में रख के देखता हूँ मैं, तो 0.8 मत मानना उसको, ए मानना है, ए साइन 0 के देखें तो ये कितना आएगा, ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 180, इसको दोनों को ऐड करके देख लो, 0 आई थिंक 0 किसी में भी नहीं आने वाला, क्योंकि ओमेगा टी प्लस 30 आ रहे हैं, ओमेगा टी माइनस 30 आ रहा है, तो 0 होगा ही नहीं। इसमें देखें अपन, इसको देखो कि एक्स की वैल्यू 0 रख दी तो ओमेगा टी माइनस 30 आ रहा है, देखो इसमें ओमेगा टी माइनस 30 आ रहा है इस वाली में, और बाकी आगे तो पॉजिटिव है ही, खैर। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस 30 और इंसिडेंट वेव देखो ये थी, इनको ऐड करो, माइनस प्लस 0 नहीं हो गया क्या, ये 0 आ जाएगा, देखो परफेक्टली 0 आ रहा है, और इसमें 0 नहीं आएगा, प्लस 30 आ रहा है। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव एक्स बराबर 0 पे अगर आप देखो कि किसी इंस्टेंट पर दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बस खत्म। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फिर फाइनली थर्ड हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 23 है, 75 सेंटीमीटर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स प्रोड्यूसेस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 384 हर्ट्ज 288 हर्ट्ज विदाउट देयर बीइंग एनी अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन दीज टू। देखो दोनों एंड जो है फिक्स्ड है, ठीक है, तो उसमें हर टाइप के हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें अपन रेशियो ले लेंगे, 288 है, ये 384 है, 96 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 3:4 आएगा, इसका मतलब 1:2:3:4, तो 96 जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 96 हर्ट्ज है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकेंड हार्मोनिक आ जाएगा, फिर थर्ड हार्मोनिक ये है, फोर्थ हार्मोनिक ये, तो 96 इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो V इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, V हमें कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल मोड लें तो 96, लैम्डा फंडामेंटल मोड के अंदर ये लेंथ L है तो लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू L, लैम्डा इक्वल्स टू 2L, तो 2 इंटू L, L की वैल्यू कितनी है 75 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो, 75/100, ये 3 से काट 25 से काट दो, ये 3 आ गया 4 आ गया, 4 से कट करो भैया, ये 16 हो जाएगा, 48 इंटू 2 है ना, 48 सॉरी कितना है ये, 4 से कट करें तो सॉरी गलत हो गई, 8 और ये 4, ठीक है 24 आ गया, तो 72 इंटू दो कितना आ जाएगा 144, तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें, 24, टू सिमेट्रिकल एंड आइडेंटिकल पल्सेस इन स्ट्रेस स्ट्रिंग हूज सेंटर्स आर इनिशियली 8 सेंटीमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एज शोन इन द फिगर, द स्पीड ऑफ द ईच पल्स इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड्स द टोटल एनर्जी ऑफ द पल्सेस विल बी, 2 सेकेंड बाद में दोनों पल्स की एनर्जी पूछी है, दोनों पल्स क्यों जाएंगी, तो ये देखना 2 सेंटीमीटर बाद में कितना डिस्टेंस चलेगी, देखो दोनों की स्पीड कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड बाद में ये 4 सेंटीमीटर चल चुकी होगी, तो ये 4 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगी, और इसको भी देखें तो ये भी 2 सेकंड बाद में 4 सेंटीमीटर, मतलब ये भी यहाँ आ जाएगी, दोनों सुपर इम्पोज होगी, एक के लिए तो क्रेस्ट एक के लिए ट्रफ, ठीक आइडेंटिकल भी है, तो इसका मतलब इसमें जितना प्लस है उतना इसमें माइनस है, तो ओवरऑल अगर अपन सुपर इम्पोज करें तो स्ट्रिंग का जो शेप आएगा वो स्ट्रेट आएगा,
लेकिन ध्यान रखना स्टेट है ना ये, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? जब स्ट्रेस्ड होती है, जब कुछ स्लोप आता है तब जनरेट होता है। इसमें कंप्लीट एनर्जी किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होगी। ऐसा तो है नहीं एनर्जी वैनिश हो जाएगी, तो कंप्लीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होगी, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पल्स है, ये वाला जो पार्ट है, ये थोड़ी देर बाद में इधर की तरफ जनरेट होगा, और ये वाला जो पार्ट है वो इधर की तरफ जनरेट होगा। तो इधर वाला जो पार्ट आ रहा है उसका मोशन कुछ इस तरफ है, जो धागा दिख रहा है ना अपन को, इसका हाफ जो पार्ट है इसका मोशन पार्टिकल्स का नीचे की तरफ, और हाफ पार्ट का मोशन ऊपर की तरफ है। तो इसमें जो एनर्जी वो कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। तो सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25th, ए मासलेस रोड बी डी सस्पेंडेड बाई टू आइडेंटिकल मासलेस स्ट्रिंग ए बी एंड सी डी ऑफ द इक्वल लेंथ। ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट पी सच दैट बी पी इज इक्वल टू एक्स। इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेफ्ट वायर इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द राइट वायर, ना वैल्यू ऑफ एक्स इज। ठीक है, लेफ्ट वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है राइट वायर का डबल है। तो अगर राइट वायर की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल एफ मानो तो इसकी कितनी है? 2f है। बाकी सारा खेल टेंशन पे है। एम मास आपने हैंग कर रखा है यहाँ पर, तो देखिए ये एक्स डिस्टेंस ये कितना आ गया, एल माइनस एक्स। टेंशन की बात करें T1 है T2, तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क कितना होगा? जीरो होगा। टॉर्क जीरो होगा तो T1 का टॉर्क कितना आया? T1 इंटू एक्स। T2 कितना आएगा? T2 इंटू एल माइनस एक्स। सही है, तो T1 और T2 का रिलेशन यहाँ से आ जाएगा एक्स और एल माइनस एक्स में। बाकी बात करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी 2f है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या आएगा फंडामेंटल मोड के लिए अगर अपन बात करें, यहाँ पे 1/2l, लेंथ तो दोनों की सेम ही है ये वाली, है ना। ये लेंथ मैं एक काम करता हूँ एल नॉट मान लेता हूँ, अंडर रूट में टी बाय म्यू। मास पर यूनिट लेंथ जो है दोनों की सेम है ना, दोनों सेम आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स है ये, तो अंडर रूट टी बाय म्यू सेम ही, अंडर रूट टी बाय म्यू सेम होगा, एल नॉट भी सेम होगा। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? अंडर रूट में T1 पे। ठीक है, अंडर रूट T1 पे, तो इसका मतलब जो टी है, जो टेंशन है, वो एफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जो T1 दिख रहा है आपको वो 2f स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो 4f स्क्वायर क्या जाएगा? f स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा, तो ये 4x, और यहाँ जाएगा T2 जो कि f स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसको मैं सिंपली जो है वो सिंपल 1 लिख देता हूँ, इनटू में 1 आ गया सिंपली, है ना, क्योंकि f स्क्वायर वैसे भी कट जाएगा यहाँ से, और l माइनस x यहाँ पे आ गया। सो x एंड 4x 5x आ जाएगा, बराबर l, x बराबर आ जाएगा l बाय 5, फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 26th, a transverse sinusoidal wave moves along a string in the positive x direction at a speed of 10 cm per second. The wavelength of the wave is 0.5 meter. X के साथ ग्राफ दे रखा है और वेव जो है positive x direction propagate कर रही है। At a particular time t, snapshot of the wave is shown in the figure. The velocity of point P when its displacement is 5 cm is. P point का displacement 5 cm was given instant पर आपसे velocity पूछी है। ठीक है, तो देखिए इसको अपन short trick से कर लेंगे। देखो एक चीज देखो, यहाँ पर अगर wave को आगे इधर propagate करें तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो जो P पॉइंट है साफ साफ नजर आ रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन Y की तरफ, मतलब J कैप। तो वेलोसिटी प्लस में J कैप होनी चाहिए। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये वैसे भी I कैप है, ये वैसे भी I कैप है, दोनों I कैप है, तो I कैप तो हो ही नहीं सकता, ट्रांसवर्स वेव है, J कैप ही होगा। तो एक तो या तो प्लस J कैप बोले या माइनस J कैप बोले, तो सीधी सी बात है प्लस J कैप की तरफ जो है मोशन है, तो फर्स्ट इसका करेक्ट हो गया, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा जोर लगाने वाली बात ही नहीं थी, सीधा ऑप्शन से ही खट से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता। बाकी अगर आपने इसको सोल्व भी करना है P पॉइंट की जो वेलोसिटी है, तो सीधी सी बात है VP जो है वो अपन को पता होना चाहिए, V डेल Y बाय डेल X होता है। ठीक है, तो वेव स्पीड जो है अपन को दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये V आ जाएगा। डेल Y बाय डेल X की बात करें तो जो स्लोप है माइनस में होता है, इवन स्लोप जो है वो स्लोप अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि Y की इक्वेशन जो है गिवन कंडीशन के लिए अगर अपन बात करें, ये T बराबर 0 पे फोटो मान लो, ठीक है, T बराबर 0 पे मान लेते हैं अपन, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? A साइन kx माइनस ओमेगा T। डेल Y बाय डेल X करोगे तो A आएगा, साथ ही साथ के भी साइड में आ जाएगा, के एंगुलर वेव नंबर है, आपको वेवलेंथ दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी, के साइड में मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, बाकी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो तो आपको 5 सेंटीमीटर दे ही रखी है, तो ये डायरेक्ट आप है ना जो है के बाहर ले आओ, और ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एच डी जाएगा, जिसको मैं 5 सेंटीमीटर डायरेक्ट रख सकता हूँ, तो के इंटू 5 कर दो, और वो डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आप यहाँ पे रख करके वीपी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो यही वैल्यू आएगी, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। 27th, under similar conditions of the temperature and the pressure, in which of the following gases the velocity of the sound will be largest? Velocity of sound जो है V बराबर अंडर रूट में गामा आर टी बाय एम के इक्वल होता है, T सेम है, सीधी सी बात है मॉलिकुलर वेट जो है उसके ऊपर साला खेल जो है वो डिपेंड करेगा, इवन गामा पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, गामा पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर देखें तो जो एच टू है ना, गामा को कोई ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन अगर मॉलिकुलर वेट की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है जो H2 है उसका तो 2 ही हुआ टोटल, HA का 4 हो जाएगा, है ना, 2 गुणे का फर्क है, तो यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है
फर्स्ट आंसर इसका होगा, क्योंकि m जितना कम होगा उतनी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगा, तो फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले। 28th, the two sound waves move in the same direction in the same medium. Medium same है, मतलब density same है, same direction जा रही है. The pressure amplitude of both the waves are equal. Pressure amplitude and displacement amplitude में आपको relation पता होना चाहिए. Delta P max कह सकता हूँ pressure amplitude को, which is B A K. B क्या होता है, bulk modulus, जो कि medium पे depend करता है, and even pressure पे भी, सीधी सी बात है. Bulk modulus की बात करें तो गामा पी के बराबर होता है साउंड वेव जो प्रोपागेट करती है, ठीक है. तो प्रेशर तो सीधी सी बात है, मीडियम सेम है तो प्रेशर भी सेम ही होगा. और ए है एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और के क्या है, एंगुलर वेव नंबर है, ठीक है, ओके. और दोनों सेम मीडियम में ट्रेवल करते, स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी. आगे देखते हैं, चलो. कह रहा है द प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स आर इक्वल, मतलब डेल्टा पी मैक्स सेम है, बट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट वेव इज डबल द सेकंड. अच्छा जी, के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा होती है, तो वेवलेंथ का कह रहा है, वेवलेंथ जो है उसमें फर्क है, डबल ट्रिपल जो भी है उसके अंदर फर्क है. चलो आगे देखते हैं. लेट द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन बाय द फर्स्ट वेव बी पी वन एंड दैट बाय द सेकंड वेव इज पी टू. भैया पावर की बात करनी है अपन, पावर 1/2 आप कह सकते हो, मतलब प्रोपोर्शनलिटी में बात करूँ तो डेंसिटी की प्रोपोर्शनल होती है ना, ओमेगा स्क्वायर कह सकते हो, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल हो सकती है, सही है. स्पीड भी, इंटेंसिटी भी बात कर लें, चलो इंटेंसिटी इंटू एरिया कर दोगे तो पावर आ जाएगा, तो स्पीड भी मान लो, लेकिन स्पीड तो वैसे भी सेम है, स्पीड पे फर्क पड़ेगा नहीं, डेंसिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेंसिटी क्योंकि मीडियम से. ओमेगा पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट हो सकती है, और एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है क्योंकि प्रेशर एम्पलीट्यूड इसने सेम दे रखा है. तो भैया सीधी सी बात है, ये जो ओमेगा है उस ओमेगा का इस ए के साथ कोई रिलेशन होता है क्या, डेल्टा पी मैक्स के साथ कोई रिलेशन होता है क्या, होता है जी. देखो ओमेगा बराबर के वी होता है, तो यहाँ पर देखो के जो आपको नजर आ रहा है उसको लिख सकता हूँ मैं ओमेगा बाई वी, सही है. मीडियम सेम है तो वी सेम होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बी सेम होगा, ठीक है. तो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है डेल्टा पी मैक्स जो है ना वो ए इंटू ओमेगा के प्रोपोर्शनल आ रहा है. देखो डेल्टा पी मैक्स की जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है वो ए इंटू ओमेगा के प्रोपोर्शनल आ रहा है, और यहाँ पर देखो ए ओमेगा का होल स्क्वायर है, तो डेल्टा पी मैक्स का होल स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, और डेल्टा पी मैक्स क्या यहाँ पर दोनों में सेम है, दैट मीन्स पावर जो होगी दोनों के लिए सेम हो जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 29th, a person is talking in a small room and the sound intensity level is 60 dB. Decibel के अंदर intensity क्या होती है? 60 is equal to 10 log base 10. यहाँ पे intensity होती है I अपन में reference जो है 10 to the power minus 12 होता है, तो वो अपन रख सकते हैं. इसकी value अपन को 60 decibel में दे रखी है. अब कह रहा है कि आठ जो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं, तो अगर एक बंदे की intensity अगर I है ना, तो आठ की कितनी हो जाएगी? 8 I हो जाएगी. तो उस condition में जो intensity decibel के अंदर आएगी वो कितनी लिख सकते हैं? 10 लोग बेस 10, यहाँ जाएगा 8i अपॉन में आई नॉट. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, 10 लोग बेस 10 8 आ जाएगा, और प्लस में 10 लोग बेस 10 i बाय आई नॉट आ जाएगा, और 10 लोग बेस 10 i बाय आई नॉट की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 60 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 60, ये तो 60 आ गया, और प्लस में 10 लोग बेस 10 8 इसकी वैल्यू जो है वो 9 के अराउंड होती है, तो इनको दोनों को सम करेंगे तो 69 डेसिबल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है. 30. Sound waves from a tuning fork F reaches a point P by two separate routes FAP and FBP. When FBP is greater than FAP by 12 centimeter, there is silence at P. मतलब एक तरीके से नोड बन रहा है, ठीक है, या constructive interference and destructive interference कह सकते हो. If the difference is 24 centimeter, the sound becomes maximum at P. मतलब constructive interference. But at 36 centimeter there is silence again and so on. If the velocity of sound in air is 330 meter per second, the least frequency of the tuning fork is. देखो दो रास्ते हैं, एक तो रास्ता है एफ ए पी, एक रास्ता है एफ बी पी. एफ बी पी वेरी कर सकता है. ये कह रहा है जब ये मान लीजिए ये रास्ता लेंथ x है, जब इसकी लेंथ x प्लस 12 होती है तभी तो डिफरेंस 12 का आएगा, तब आपको साइलेंस मिल रहा है, इसका मतलब वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है, तो दोनों का जो पाथ डिफरेंस वो 12 के बराबर ही आया. पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितना होना चाहिए नॉर्मली, अगर अपन बात करें तो लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू, कुछ भी ना, तो रैंडमली कोई भी वैल्यू पिक कर लेते हैं अपन, जैसे सपोज 3.5 लैम्डा है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, मैंने रैंडमली कोई वैल्यू पिक की है. अब ये कह रहा है कि अगर ये पाथ डिफरेंस 24 होता तो अब अपन को
पीक मिल रहा है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की बात करें तो सीधी सी बात है, ये हो सकता है 4 लैम्डा, इसका नेक्स्ट जो है 4 लैम्डा हो सकता है, लेकिन कोई जरूर थोड़ी है, 5 लैम्डा भी तो हो सकता है, 6 लैम्डा भी तो हो सकता है, तो कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन से इसमें पूछा लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, तो अगर मैं इसको जैसे सपोज 4 लैम्डा अज्यूम करूँ, तो डिफरेंस जो आएगा इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 12 आएगा, और ये 0.5 लैम्डा आया, ये भी डिफरेंस भी कम आएगा, डिफरेंस कम आएगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, है ना, लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो फ्रीक्वेंसी फिर उस केस में कम हो जाएगी, वी बराबर एफ लैम्डा होता है तो फ्रीक्वेंसी, लैम्डा ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, तो लीस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब यही पूछ रहा है, यहाँ पर अपन को ये वाली वैल्यू भी लीस्ट रखनी है, कम रखनी है, तो 4 लैम्डा तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, आ गया यहाँ से 0.5 लैम्डा। आगे वाला पार्ट में कह रहा है कि 36 अगर अगेन कर देते हो आप वापस, तो वापस आपको जो है साइलेंस मिलता है, इसका मतलब नेक्स्ट वाला 4.5 लैम्डा हो जाएगा, और डिफरेंस भी देखो एक्जैक्टली बराबर आ रहा है, 36 माइनस 24 करोगे तो भी 12 आएगा, और इसका डिफरेंस भी 0.5 लैम्डा ही आएगा, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 0.5 लैम्डा जो है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो कितना आएगा, 24 माइनस 12 12 के बराबर आ गया, ठीक है, और ये 12 सेंटीमीटर में है ध्यान रखना, तो 1/2 आ गया, 12 12 24, तो लैम्डा बराबर आ गया 24 सेंटीमीटर, 10^-3 मीटर, है ना। तो अपन से पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, लीस्ट फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा, वी अपन को यहाँ पर जो है वो गिवन है, आई थिंक कितना गिवन है, 330, ओके 330, और लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 24, और ये 0 0 ऊपर ले जाओ, 30 ऊपर ले जाओ, इवन भाग दो इसको, तो इसका आंसर आता है 1375, 1375 हर्ट्ज, ओके 31 पे आ जाइए। Sound signal is sent through a composite tube as shown in the figure. The radius of the semicircular portion of the tube is R. Speed of sound in air is V. The source of sound is capable of giving varied frequency in the range of nu1 to nu2, where nu2 is greater than u1. If n is an integer, then the frequency for the maximum intensity is given by. देखिए यहाँ से wave आई, ठीक है, कुछ part इधर चला गया wave का, कुछ part इधर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से wave front division हो रहा है wave का, इन दोनों के बीच में इंटरफ्रेंस होगा, तो बताइए पार डिफरेंस कितना आया, ये डिस्टेंस कितना चलेगा 2r, ये कितना चलेगा पाई r, दोनों के बीच में पार डिफरेंस कितना आया पाई r माइनस 2r, तो पाई माइनस 2r ये पाथ डिफरेंस आ गया, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस दैट मींस पार डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। और अपन से फ्रीक्वेंसी पूछी है, सो फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू v अपॉन में लैम्डा, एंड हियर लैम्डा इज पाई माइनस 2r बाय n, इस टाइप में ये फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, तो अपन को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, एंड देन आंसर इज सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलें। इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर द वेवलेंथ्स ऑफ द वेव्स गिविंग रेजोनेंस इन द फंडामेंटल फर्स्ट एंड द सेकंड ओवरटोन मोड्स रेस्पेक्टिंग द ओपन ऑर्गन पाइप, देखो ओपन ऑर्गन पाइप में सारे होते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड, थर्ड, सारे प्रेजेंट होते हैं, तो इसको आसानी से आप कर सकते हो। जैसे फंडामेंटल मोड की बात करें, ठीक है, लेंथ एल है, तो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेशन ऐसा होगा, ये लैम्डा बाई 2 है, लेकिन इसको लैम्डा 1 बोला है, तो लैम्डा 1/2 इक्वल्स टू एल, तो लैम्डा 1 कितना आ गया 2L आ गया, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन कह दो या सेकंड हार्मोनिक बोल दो, सेकंड हार्मोनिक में वाइब्रेशन कुछ ऐसा होता है, तो ये कितना आया लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा हो गया ना, तो यहाँ से लैम्डा 2 जो है वो किसके बराबर आ गया, एल के बराबर आ गया, ये लैम्डा 2 आ गया, लैम्डा 1 आ गया। ऐसे थर्ड के लिए भी बात कर लें, उसको भी चलो देख ही लेते हैं, इतना कर लिया तो कुछ इस टाइप से वाइब्रेशन होगा, तो ये तो हो गया लैम्डा पूरा, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा हो गया, और ये लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2 हो गया, तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 मतलब 3 लैम्डा बाई 2, तो 3 लैम्डा 3 बाई 2 इज इक्वल टू एल, सो वी हैव लैम्डा 3 इक्वल टू 2L/3। अब इन तीनों का रेशियो लेना है आपको, रेशियो कितना आएगा, तो लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 का रेशियो कितना आया 2L/L/2L/3, 2L का डिवाइड कर दो दोनों में, तीनों में, तो 1:1/2:1/3, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। 33 में देखो, ए सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू, द ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर सो दैट द हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज इनसाइड द वाटर, द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इज, देखो फंडामेंटल मोड जो है इसका, इसमें वाइब्रेशन ऐसा ही होगा, यही होगा फंडामेंटल के लिए, तो ये तो अपन को पता है। अब ये आधा पार्ट को डिप कर दिया आपने वाटर में यहां तक, तो ये तो ओपन एंड था, ये क्लोज एंड हो गया, अब फंडामेंटल मोड पूछूं तो वाइब्रेशन ऐसा ही होगा, तो लैम्डा में कोई फर्क ही नहीं आया, लैम्डा सेम है, देखो ये लेंथ लैम्डा बाई 4 के बराबर, ये भी लेंथ लैम्डा बाई 4 के बराबर, तो फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी भाई, थर्ड ऑप्शन का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34,
A tube of diameter d and the length l unit is open at both ends. Its fundamental frequency of resonance is found to be nu 1. तो open end है, fundamental frequency nu 1 है, तो vibration अपन को पता है दोनों side से होगा, ठीक है? मतलब दोनों तरफ antinode बनेंगे. और इसमें end error correction को consider किया है. तो अपन को पता है end error correction कितना होता है? Diameter d होता है, तो end error correction कितना होता है? 0.3d ऊपर, 0.3d नीचे. अगर दोनों end अगर open हैं, तो 0.3d ऊपर, 0.3d नीचे. तो इस तरीके का vibration मिलेगा fundamental mode में. तो जो लेंथ होगी कंप्लीट वो l प्लस 0.3d 0.3d ऊपर नीचे अगर ऐड करेंगे तो 0.6d हो जाएगा. और ये जो लेंथ है ये किसके बराबर जाएगा? लैम्डा बाय 4 मतलब लैम्डा बाय 2 के, है ना? ये लैम्डा 1 है, जैसे लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई. तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी आएगी न्यू 1 वो कितनी आएगी? स्पीड ऑफ साउंड v अपॉन में लैम्डा 1 व्हिच इज 2 l प्लस 0.6d, करेक्ट? ये न्यू 1 आ गया. एंड सेम वे से ये कह रहा है कि अगर वन साइड को अगर आपने क्लोज कर दिया तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, वो न्यू 2 है, राइट? तो एक साइड को अगर क्लोज कर दोगे तो इस टाइप का वाइब्रेशन बचेगा. इसमें डायग्राम में बना दूं मैं ऐसे, लेकिन यहां तो एंडर करेक्शन अपन को इंक्लूड करना पड़ेगा. तो ये लेंथ कितनी आएगी? l प्लस 0.3d, ये वाली तो 0.3d आएगी. तो ये जो वैल्यू है ये लैम्डा 2 बाय 4 के इक्वल आएगा. 4 इधर से ले जाओ, है ना? तो इसको हटा दो यहां से, तो लैम्डा 2 आ गया. तो यहां से न्यू 2 कितना आया? न्यू 2 बराबर आ जाएगा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अपॉन में लैम्डा. तो ये अपने पास न्यू 2 आ गया. अब हमसे न्यू 1 बाय न्यू 2 पूछा है, तो न्यू 2 बाय न्यू 1 पूछा है, तो न्यू 2 में न्यू 1 को डिवाइड कर दूं तो वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, v से v कट जाएगा, ठीक है? तो ये वैल्यू कितनी आएगी? न्यू 1 की वैल्यू रखोगे तो 2 l प्लस 0.6d अपॉन में 4 l प्लस 0.3d आ जाएगा. 2 से 2 कट जाएगा तो l प्लस 0.6d और अपॉन में 2 आया l प्लस 0.3d आ जाएगा. अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें 1 बाय 2 तो आना ही चाहिए, तो 1 बाय 2 भैया सेकंड थर्ड फोर्थ में भी आ रहा है. फोर्थ तो गलत हो गया क्योंकि d प्लस 0. वाला दे रखा है. और इसमें अगर देखें तो 0.6d ऊपर आएगा, 0.3d नीचे आएगा. तो अपने पास फिर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? 34 का थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. 35th, ए ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज इज वाइब्रेटेड विद ए सोनोमीटर वायर एंड 6 बीट्स पर सेकंड आर हर्ड. देखो ट्यूनिंग फोक फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज दे रखा है और 6 बीट जो है पर सेकंड सुनाई दे रहे हैं. इसका मतलब सोनोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो सकती है? 518 भी हो सकती है और 512 माइनस 6 मतलब 506 भी हो सकती है, है ना? तो ये पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है दोनों की. अब देखते हैं, द बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज्ड. देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है सोनोमीटर के लिए 1/12 अंडर रूट में टी बाय म्यू होता है. अगर आप टेंशन को इंक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर मान लीजिए मैं 518 लेता, तो 518 लेता, टेंशन बढ़ाने पे 518 से वैल्यू बढ़ जाती है, 520 हो जाती है. 520 होता और ये ट्यूनिंग फोक का डिफरेंस लेता, 520 माइनस 512 कितना था? 8 हट जाता. तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. लेकिन ये क्या करे, बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस. इसका मतलब अगर ये 506 हो तो फिर टेंशन बढ़ाने से 506 से मान लीजिए 508 हो गया, 508 हो गया, 512 माइनस 508 कितना बचा? 4. तो बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही ना, तो फिर करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? 506. फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा. 506. 36. द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ द सोर्स. भैया डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर, ये भी डिपेंड करता है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ये भी डिपेंड करता है. सेपरेशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, ये डिपेंड नहीं करता. क्योंकि पर्टिकुलर सेपरेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन के लिए अगर वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम रखा जाए दो सिनेरियो के अंदर, तो भैया बीट जो फ्रीक्वेंसी है अपरेंट फ्रीक्वेंसी वो सेम आ सकती है. तो सेपरेशन जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा. नेक्स्ट जो है 37th, source and observer both start moving simultaneously from origin, one along x axis and other one along y axis with speed of source equal to twice the speed of the observer. The graph between the apparent frequency n dash observed by the observer and time t would be n is the frequency of the source. ठीक है, तो देखो एक तो source है और एक observer है, ठीक है? एक काम करते हैं, observer को यहाँ मान लेते हैं origin, और हालांकि origin से start हो रहे हैं, observer इधर जा रहा है v1 speed से, तो इसकी velocity मैंने लिख दी v1 i cap, ठीक है? सोर्स जो है वो भी सेम पॉइंट से जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है v2 j cap, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सोर्स की वेलोसिटी क्या है? सो वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या करोगे? v2 j cap माइनस v1 i cap. ये सोर्स की वेलोसिटी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में. इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये ऑब्जर्वर का फ्रेम है, इस वेलोसिटी वेक्टर को ड्रॉ करें तो v2 j cap माइनस v1 i cap आएगा. इसका मतलब ये किस तरफ आ रही है वेलोसिटी? सोर्स की वेलोसिटी इस तरफ आ रही है और रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है.
रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो सोर्स है ना वो वी टू जे के मतलब ऊपर माइनस वी वन आई के मतलब इस तरफ, तो कुछ ना कहीं इस तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो जो सोर्स है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ है ना, तो ऑब्जर्वर के फ्रेम से देखें तो सोर्स दूर जा रहा है और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये है ना, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो फिक्स हो जाएगी एंड डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि दूर जा रहा है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड ऑल्सो, और क्योंकि स्पीड भी तो ज़्यादा है, है ना, स्पीड भी तो ज़्यादा है, तो उस केस में अपन ये कह सकते हैं सेकेंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट भी चलते हैं, 38। ए स्मॉल सोर्स ऑफ साउंड, देखो एक सोर्स जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर ओ पे बैठा है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमसे पूछा है, तो ए पे जब आएगा तो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, सी पे जाएगा तो परपेंडिकुलर, बी पे जाएगा दूर जा रहा है, तो ए पे पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बी पे दूर जा रहा है फ्रीक्वेंसी सबसे कम, और सी पे एंगल 90 पे तो वही सेम फ्रीक्वेंसी हमें जो है साउंड जो है सुनाई देगा। तो इसका मतलब न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू थ्री, न्यू थ्री सी वाला थ्री वाला और इज ग्रेटर देन न्यू टू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। देखो F जो है, देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर सीधी सी बात है स्पीड ऑफ साउंड जो बढ़ता है, V बढ़ता है ना, V प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T, तो स्पीड बढ़ेगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F कितना होगा, V अपॉन में लैम्डा, ठीक है, तो V बढ़ाओगे सीधी सी बात है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो फर्स्ट तो सही है। इफ द प्रेशर राइजेस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, देखो प्रेशर जो V है ना वो अंडर रूट गामा P बाय रो होता है, प्रेशर बढ़ता है ना तो रो भी बढ़ता है, P बाय रो की वैल्यू फिक्स रहती है तो V में कोई चेंज नहीं आएगा, और V में चेंज नहीं आएगा और लैम्डा जो L पे डिपेंड करेगा, तो V में जब चेंज ही नहीं आएगा, लैम्डा में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो ये कह रहा है इंक्रीजेज, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो रॉन्ग ही पूछा है तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। फर्स्ट ओवरटोन जो है अपन को पता है अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है तो हार्मोनिक्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, तो इसका तीन गुना कर दोगे तो 9 स्वर है, तो ये सही है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग वो सही हो जाएगा। टू साउंड सोर्सेज प्रोड्यूस प्रोग्रेसिव वेव्स बाय वाई वन इक्वल टू 12 कोस 100 पाई टी, वाई टू इक्वल टू 4 कोस 102 पाई टी नियर द ईयर ऑफ एन ऑब्जर्वर व्हेन साउंडेड टुगेदर द ऑब्जर्वर विल हियर। अब सबसे पहले तो ये दो फ्रीक्वेंसी के सोर्स दे रखे हैं अपन को, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के बीट्स पूछा है, देखो ये ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, ओमेगा 2 पाई एफ होता तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 पाई का डिवाइड कर दो तो ये 50 आ जाएगा, ये आ जाएगा 51, तो 51 है एक की तो एक 50 है, तो डिफरेंस कितना है 1 का आया, तो बीट फ्रीक्वेंसी 1 है, तो ये 1 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये इसने ये भी दे रखा है कि इंटेंसिटी रेशियो क्या आएगा, मैक्सिमा मिनिमा जो बीप सुनाई देंगे ना अपन को, जो साउंड का हाई सुनाई देगा है ना, लो भी सुनाई देगा, तो हाई का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ पर देखो ये 12 है, एक तरीके से यहाँ पर जो है सुपरपोजिशन होगा, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा 12 और 4 16, ठीक है, और मिनिमम कितना होगा 12 माइनस 4 8, तो एक तो 16 वाला सुनाई देगा, एक 8 वाला, 8 वाला कम वाला, कम बीप जो जहाँ पे इंटेंसिटी लो होगी, तो इनकी इंटेंसिटी रेशियो क्या आएगा, तो 16 बटा 8 मतलब 2:1 का स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है इंटेंसिटी, तो 16 बटा 8 मतलब 2:1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4:1, 4:1, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टू आइडेंटिकल सोर्सेज मूविंग पैरेलल टू ईच अदर एट सेपरेशन डी आर प्रोड्यूसिंग साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एंड आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी नोट, स्टेशनरी ऑब्जर्व ओ इज ऑन द लाइन ऑफ मोशन ऑफ वन ऑफ द सोर्सेज, देन द वेरिएशन ऑफ द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ओ विद टाइम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय एज दे कम फ्रॉम द लार्ज डिस्टेंस एंड गो टू ए लार्ज डिस्टेंस। देखिए ये डी बहुत कम है और ये काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर है, ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा है, तो इन दोनों सोर्सेज जो वेव्स आएंगी ऑलमोस्ट पैरेलल आएंगी, ठीक है, तो सोर्स भी आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम सुनाई देगी, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 0, और जैसे ही यहाँ से क्रॉस करेगा ये सोर्स, ये वाला सोर्स ऐसे जाएगा और ये वाला एकदम पास से जा रहा है, तो
तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो वही मतलब बड़ी हुई सुनाई देगी ऑब्वियसली, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वी नॉट सॉरी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट ब्रैकेट वी अपॉन सोर्स मूव कर रहा है ना वी माइनस वी नॉट, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो एफ नॉट ही क्योंकि डायरेक्ट परपेंडिकुलरली आ रही है वेव, तो इसके लिए तो एफ नॉट ही आएगी, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीट फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा। और फिर जब लार्ज डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो सोर्स यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर, तो इससे वेव ऐसे आएंगी, इससे वेव ऐसे आएंगी, अगेन दोनों पैरेलल आ रही हैं तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मतलब पहले बढ़ेगा फिर वापस घटेगा, है ना, तो कुछ इस टाइप से होना चाहिए। तो इसमें देखो जरा कौन सा ऑप्शन सही है, ये गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया, थर्ड में बढ़ के घट रहा है, फोर्थ गलत हो गया, तो रफली आइडिया लगाना है अपन को कौन सा सही है, तो थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 42। ए कार इज अप्रोचिंग ए रेलवे क्रॉसिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी 72 × 5/18, तो 420 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इट साउंड्स ए हॉर्न व्हेन इट इज, इट साउंड्स ए हॉर्न व्हेन इट इज 800 मीटर अवे एट 600 हर्ट्ज, इट्स इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड, द एपरेंट फ्रीक्वेंसी एज रिसीव्ड बाय ए मैन एट रेस्ट नियर द रेलवे ट्रैक परपेंडिकुलर टू द रोड एट अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर फ्रॉम द क्रॉसिंग इज, तो ये सीन है यहाँ पर, तो ये वेलोसिटी इसके पास जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह बढ़ रहा है देखो। तो अगर अपन को यहाँ पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो ये जो सोर्स है इसकी स्पीड जो है इसकी वेलोसिटी जो है इसका इस तरफ मुझे कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो वी एस का इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा वी एस कॉस थीटा, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड हमें सुनाई देगा वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी एफ इक्वल्स टू एफ नॉट, एफ नॉट इज 600, ठीक है, वी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विच इज 330 अपॉन वी 330 माइनस वी एस कॉस थीटा, वी एस 20 है और कॉस थीटा की बात करें यहाँ से तो ये देखो 800 ये 600 ये एंगल 90 तो ये 1000 आ जाएगा, तो यहाँ से इसका इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा 20 कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 800/1000, तो ये कट गया इससे तो 16 आया 16 आया, तो 16 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 630.5 हर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, टू साउंड सोर्स ईच इमिटिंग साउंड ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आर फिक्स्ड सम डिस्टेंस अपार्ट, एक सोर्स इधर है S1, एक सोर्स इधर है S2, वेवलेंथ लैम्डा है, स्पीड ऑफ साउंड मान लीजिए V मान लेता हूँ एयर के अंदर, तो इनकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी V अपॉन लैम्डा, इसकी भी कितनी आ जाएगी V अपॉन लैम्डा। ए लिसनर मूव्स विद वेलोसिटी U अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, इन दोनों के बीच में लाइन खींच देते हैं अपन, और एक लिसनर जो है ऑब्जर्वर वो मान लीजिए इस तरफ चल रहा है, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाई हिम पर सेकेंड इज U इज वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, तो अगर इसकी स्पीड U है तो सबसे पहले इससे बात करते हैं, इससे ही कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा इसको, F1 मान लें दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है V/लैम्डा ब्रैकेट ऑब्जर्वर दूर जा रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये आ गया। और F2 जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इससे वेव वैसे आएगी तो ऑब्जर्वर पास जा रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, F2 इक्वल्स टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी V/लैम्डा V+U अपॉन में आ गया। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट करें तो बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सबट्रैक्ट करोगे तो V बाय देखो V तो वैसे भी कट गया तो इसमें से सबट्रैक्ट करें तो V वाला पार्ट कट जाएगा U वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, देखो सबट्रैक्ट करने पर ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 2U/लैम्डा, फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें 44, आपको दो वेव्स दे रखी हैं, ये टाइम के साथ ग्राफ है वाई का और हमसे पूछा है इंटेंसिटी रेशियो क्या है, देखो इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी होता है जी, तो दोनों का वेवलेंथ अलग अलग है और सेम स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मतलब स्पीड तो सेम है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डेफिनेटली अलग अलग है दोनों की। तो जैसे फर्स्ट की बात करूँ मैं तो जो इंटेंसिटी होगी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आएगा एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ मान लेता हूँ तो एफ स्क्वायर कर देता हूँ, ये वन आ गया I1। I2 की बात करूँ प्रोपोर्शनल टू, इसका एम्पलीट्यूड 2a है तो 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, देखिए 2 वाली जो वेव है इसकी वेवलेंथ डबल है इससे, ठीक है, इसकी वेवलेंथ इतनी है और इस वाली की वेवलेंथ इतनी है, तो 2 वाली की वेवलेंथ डबल है तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी हाफ होने का मतलब एफ स्क्वायर बाय 4 हो गया,
फोर से फोर कैंसिल आउट हो तो ए स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर दोनों की इंटेंसिटी सेम आएगी नहीं आएगी, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। 45th, दो वेव्स आपको दे रखी हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और एक है ए वाई बराबर बी कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। फेज डिफरेंस पूछा है जी, साइन और कोस है, बाकी अंदर फेज तो ये वाला तो सेम ही है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स, पाई बाई टू का तो डिफरेंस आएगा तभी तो साइन कोस में कन्वर्ट होगा, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। द एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर प्लेट आर 00 एल 0 एल एल 00, द एजेस ऑफ द प्लेट आर क्लैंप्ड एंड द ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स आर सेट अप इन इट। U x comma y denotes the displacement of the plate at point x comma y at some instant of time. The possible expression for u is, u का possible expression अपन से पूछा है, plate ध्यान रखना, plate के चारों जो edge है ना वो clamp कर रखे हैं, मतलब उन सभी point का displacement कितना होगा, zero होगा, always zero होगा, clamp करने का मतलब यही हुआ, यहाँ पे हर जगह node बन रहा है सब पे, तो ये तो point हो गया 0,0, ये हो गया l comma 0, l comma l, and this one is 0,l. सारे पॉइंट ले लिए मैंने, तो इनमें अपन को बस पुट अप करके चेक करना है कि कौन सा जीरो आएगा, ऑलवेज जीरो आएगा, है ना, टाइम पर डिपेंड ही नहीं करेगा, हमेशा वैल्यू जीरो ही आएगी। तो सबसे पहले मैं जैसे इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ 0,0, अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो डेफिनेटली यू की वैल्यू जीरो आनी चाहिए ऑलवेज। तो ये देखो कोस का फंक्शन है, ये भी कोस का है, दोनों मल्टीप्लाई में है, एक्स जीरो वाई जीरो रखोगे तो कोस जीरो जीरो वन हो जाएगा, दोनों में वन वन आएगा, तो ये तो गलत हो गया, ये तो वैल्यू जीरो आनी चाहिए। साइन वाले में जीरो आएगा, इसमें साइन है जीरो आएगा, इसमें भी देखो कोस कोस का फंक्शन आ रहा है, ये भी गलत हो गया, ये दोनों तो यहीं से एलिमिनेट हो गए। अब बाकी दो बचे, अब इन दोनों को चेक करने के लिए अपन को इनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट रखना है जिससे कि ये सेटिस्फाई कर जाए, जीरो आ जाए बस, ठीक है। जैसे अगर मैं सेकेंड की बात करूँ, आप सेकेंड में ये एल एक्स की वैल्यू जीरो वाई जीरो रखो, जीरो आ रहा है, एक्स की वैल्यू एल कोमा जीरो भी रखोगे ना, एक्स की वैल्यू एल रखो तो एल एल रखोगे तो एल से एल कट गया तो पाई आ रहा है, साइन पाई की वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है, साइन पे की वैल्यू यहाँ पर जीरो आएगी, और यहाँ वाई की वैल्यू तो जीरो ही है ना, इस पूरी लाइन पे वाई जीरो है, तो वाई जीरो रखोगे तो यहाँ पर तो पूरा ये पार्ट ही जीरो हो जाएगा साइन वाला, है ना, तो ये तो खत्म हो गया यहाँ पर। और इस वाले पार्ट की बात करूँ, यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो पूरी लाइन के लिए वाई की वैल्यू एल है, वाई की वैल्यू अगर एल यहाँ पर रखूँगा तो सीधी सी बात है साइन पाई आएगा, साइन पाई अगेन जीरो कर देगा, ये भी पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहा है। इस वाली पूरी लाइन के लिए देखो, इस वाली पूरी लाइन के लिए सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, इस पूरी लाइन के लिए x की वैल्यू l है, x की वैल्यू l है तो l रखोगे यहाँ पर तो साइन पाई आएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। इस पूरी लाइन के लिए y की वैल्यू l है तो ये साइन पाई आएगा, जीरो हो जाएगा। और इस पूरी लाइन के लिए x की वैल्यू जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, x की वैल्यू जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू साइन जो भी आएगा जीरो आएगा। तो मतलब सेकेंड ऑप्शन पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन थर्ड की बात करें ना अपन, थर्ड की बात करें इसके लिए तो वाई जीरो है तो वाई जीरो के जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस वाली पूरी लाइन के लिए क्या है, एक्स की वैल्यू एल है, एक्स की वैल्यू एल है तो ये तो जीरो हो गया तो फिर ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पूरी लाइन के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, सॉरी वाई की वैल्यू कितनी एल है, तो इस पूरी लाइन के लिए वाई की वैल्यू एल रखूँ तो एल से एल कटा पाई बाई टू हो रहा है, साइन पाई बाई टू वन हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब साइन पाई बाई टू वन हो रहा है तो ये तो जीरो नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट अगर मिड पॉइंट ले लूँ मैं यहाँ पर, सपोज इस मिड पॉइंट पर एक्स की वैल्यू एल बाई टू है और वाई की वैल्यू एल है तो एक्स की वैल्यू एल बाई टू रखूंगा तो एल से एल कट गया, लेकिन पाई बाई टू आ रहा है, साइन पाई बाई टू वन हो गया, और यहाँ पर भी पाई बाई टू आ रहा है, साइन पाई बाई टू वन हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू जीरो नहीं आ रही, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन फिर फाइनल कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलें, व्हेन इट अननोन फोर्क इज साउंडेड विद ए नॉन फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 288 हर्ट्ज़, ठीक है, ये नॉन है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 288 और 5 बीट फ्रीक्वेंसी जो है आनी है, तो 288 प्लस 5 करें तो कितना आएगा 293 और 288 माइनस 5 करें तो कितना आएगा 283, तो इसकी पॉसिबल फ्रीक्वेंसी दोनों है। द अननोन फोर्क इज अगेन साउंडेड आफ्टर लोडेड विद वैक्स, अब इस पे वैक्स लगा देंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी, तो कह रहा है अगेन 5 बीट पर सेकंड सुनाई दे रहे हैं, तो वैक्स लगाने पर अगर मान लीजिए 283 होता ये, तो वैक्स लगाने पर 283 से भी फ्रीक्वेंसी डाउन होती, वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी डाउन होती है, तो 283 से मान लीजिए 280 हो गया, तो इनका सब्ट्रैक्शन करते 288 माइनस 280 मतलब कितना आता, ज़्यादा हो जाता ना, 8 बीट आते, मतलब 5 से बढ़ जाता, तो इसका मतलब 283 तो कंफर्म नहीं है, 5 ही वापस आने, इसका मतलब 293 होगा, ठीक है, ताकि 293 से वापस किस पे आ जाए, 283 पे आ जाइए घट करके, ताकि डिफरेंस कितना आ जाए, 5 के बराबर आ जाए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या क्या आ जाएगा, 293 सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ 48, इन ए रेजोनेंस ट्यूब यूजिंग ए ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज़, टू सक्सेसिव रेजोनेंस लेंस आर ऑब्जर्व्ड एज at 25.4 cm and 77.4 cm respectively. The velocity of sound in air is
देखो सिंपल सा फॉर्मूला, वी इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ है ना, और फ्रीक्वेंसी एफ एल टू माइनस एल वन, बस खत्म है ना। रेजोनेंस ट्यूब का ये क्वेश्चन है, सक्सेसिव जो रेजोनेंस है ना वो एल टू और एल वन पर अपन को ऑब्जर्व करना बेटा। तो टू इंटू 325 और एल टू जो है वो 77.4 है माइनस 25.4 है, ये आप रख दीजिए और इससे अपन जो है वो आंसर मिलता है 338 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 49 एन ओपन ऑर्गन पाइप वाइब्रेटिंग सेकेंड हार्मोनिक हैविंग फ्रीक्वेंसी एफ वन, इट्स वन एंड इज क्लोज्ड एंड फ्रीक्वेंसी स्लोली इंक्रीज्ड। ओके ठीक है, तो सबसे पहले ये कह रहा है ओपन ऑर्गन पाइप है, लेंथ मान लीजिए एल है, सेकेंड हार्मोनिक का मतलब ये वाला हुआ केस, सॉरी लेंथ है, सेकेंड हार्मोनिक का मतलब ये वाला केस हुआ। ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक ये बनेगा तो लैम्डा बाई टू एंड लैम्डा बाई फोर एंड लैम्डा बाई फोर कितना हो गया, लैम्डा हो गया पूरा। तो जो एल है ना वो लैम्डा के बराबर, तो फ्रीक्वेंसी एफ वन आ जाएगा वी बाय एल, खत्म। अब ये कह रहा है इट्स वन एंड इज क्लोज्ड, एक एंड को आपने बंद कर दिया, कर दो जी, एंड फ्रीक्वेंसी इससे बढ़ा रहे हैं अपन, ठीक है, एंड इंक्रीज टू एफ टू एंड वाइब्रेटिंग nth हार्मोनिक देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n एंड एफ टू। ठीक है, एक बात तो इससे फ्रीक्वेंसी मतलब v by l से ज्यादा होना चाहिए। अब v by l से ज्यादा क्या होगा, देखो क्लोज्ड एंड जब होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कुछ इस ऑर्डर में होती है, देखो v by 4l तो आता ही आता है, यहां वन आएगा फर्स्ट हार्मोनिक, फिर थ्री आता है थर्ड हार्मोनिक आता है, फिर फिफ्थ आता है, थ्री में रखोगे 3v/4l इससे कम है, इससे अगला जो है स्लोली इंक्रीज करो 5v/4l, इसका मतलब कंफर्म है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5v/4l होगी और वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो है उसका फोर्थ फिफ्थ हार्मोनिक होगा, तो फिफ्थ हार्मोनिक हो जाएगा और इस फ्रीक्वेंसी का कितना टाइम चाहिए 5/4 हो जाएगा, तो 5/4 एफ वन एंड एन इक्वल्स टू 5, थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 50 ए ट्रेन मूव्स टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्व विद स्पीड ऑफ 34 मीटर पर सेकेंड, द ट्रेन साउंड्स ए व्हिसल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज एफ वन, एफ वन कितना आएगा यहाँ पर, एफ वन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी एफ ब्रैकेट वी जो गाड़ी जो स्पीड ऑफ साउंड है इन एयर अपॉन में वी माइनस वी एस, वी एस इज 34 और फिर कह रहा है कि स्पीड जो रिड्यूस कर दी 70 मीटर पर सेकंड से, फ्रीक्वेंसी अगेन रजिस्टर की एफ टू और वो एफ टू कितना आएगा एफ वी अपॉन में वी माइनस, अब स्पीड 17 होगी। अब ये कह रहा है एफ वन बाई एफ टू कितना है, तो एफ वन बाई एफ टू कितना आएगा यहाँ से, एफ वन बाई एफ टू दोनों को डिवाइड कर दो, वी माइनस 17 ऊपर चला जाएगा, तो 340 माइनस 17 और 340 माइनस 34, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करने से इसकी जो वैल्यू आती है ऊपर 17 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नीचे 34 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इतना तो कंफर्म है, दो और एक बटे दो तो आ ही नहीं सकता, 19/18 या 18/19 है, तो सीधी सी बात ऊपर वाला ज़्यादा होगा नीचे वाला क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो फिर फाइनल आंसर क्या दोगे 19/18 और चेक कर सकते हो आप 19/18 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन बी पर। करेक्ट, तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है ओके, एक वेव पल्स है जो कि एक्स डायरेक्शन प्रोपागेट कर रही है, वाई इक्वल्स टू वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर टी इक्वल्स टू जीरो, ये वेव फंक्शन दे रखा है आपको टी बराबर जीरो पर, और टी बराबर दो सेकंड बाद में आपको वेव फंक्शन कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, वेव फंक्शन कुछ ऐसा नजर आ रहा है, एक्स वाई मीटर्स में द शेप ऑफ द वेव डिस्टर्बेंस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोपगेशन, द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, देखो बहुत सिंपल है, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी की फॉर्म में आना चाहिए वेव। ठीक है, और वेव किस तरफ चल रही है, प्रोपागेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि एक्स में से वैसे भी वन सब्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पर, तो एक्स माइनस वी टी की फॉर्म में होना चाहिए, तो अगर मैं टी जीरो कर दूँ ना तो एफ एक्स आएगा, और ये एफ एक्स आपको दे रखा है, अब एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स माइनस वी टी से, तो एक्स माइनस वी टी से रिप्लेस करोगे तो एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर है, वी टी का होल स्क्वायर, तो वी टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वन है, वन कितने सेकंड पर, दो सेकंड पर, टू रख दो यहाँ पर टी इक्वल टू, तो टू रखोगे तो वी बराबर 1/2 आ गया, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, ए कॉपर वायर इज हेल्ड एट द टू एंड्स बाय रिजिड सपोर्ट्स एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, द वायर इज जस्ट टॉट विद ए नेग्लिजिबल टेंशन, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन दिस वायर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज, टेम्परेचर डाउन करोगे तो जो वायर है वो फैलेगा नहीं, एक्सपेंड नहीं होगा, कंप्रेस होगा, तो उस केस में फिर जो रिजिड एंड से जहाँ पे आपने सपोर्ट कर रखा है उनको उसको फिक्स कर रखा है वहाँ पे टेंशन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, ये थर्मल स्ट्रेस के बराबर होगा, वाई
ठीक है, यंग्स मॉडुलस जो है इनटू एरिया, ठीक है, इनटू अल्फा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट इनटू में डेल्टा टी, है ना, ये टेंशन इतना जनरेट हो जाएगा। देन स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव कितनी होगी, वी बराबर अंडर रूट में टी बाय म्यू, टी की वैल्यू वाई ए अल्फा डेल्टा टी रख सकते हो आप, म्यू जो है वो उसको आप डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, रो इनटू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए जो है कट जाएगा यहाँ से, तो वी की जो वैल्यू आ रही है अपने पास अंडर रूट वाई, वाई की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे प्रश्न में 1.6 इनटू 10 टू द पावर 11, अल्फा की वैल्यू गिवन अपन को, अल्फा की वैल्यू 1.8 इनटू 10 टू द पावर -5, ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू है, डिफरेंस कितना आया 30 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा 20, और अपॉन में रो, रो की वैल्यू कितनी है 9 इनटू 10 टू द पावर 3, इसको सॉल्व अगर करें अपन तो वैल्यू आती है 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए, स्ट्रेस्ड सोनोमीटर वायर रेजोनेट्स एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 350 हर्ट्ज एट द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वायर इज, देखो इसमें सारे हार्मोनिक्स होते हैं, ठीक है, तो एक तो 350 है और अगला 420 है ना, डिवाइड करें तो ये देखा जाए तो 0 0 कट जाएगा, 7 से काटें तो ये 5 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, मतलब 70 से कट हो रहा है सीधा सीधा, तो 70 जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, इज दैट क्लियर, तो फर्स्ट हार्मोनिक 70 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 4, थ्री वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज एम्पलीट्यूड 10 माइक्रोमीटर 4 माइक्रोमीटर एंड 7 माइक्रोमीटर अराइव एट ए गिवन पॉइंट विद ए सक्सेसिव फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2, ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज इन माइक्रोमीटर इन गिवन बाय, देखो तीन वेव्स है सक्सेसिव फेज डिफरेंस कितने का पाई बाय 2 का है, वेक्टर डिस्टेंस से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पहली वेव के लिए एम्पलीट्यूड कितना है 10 माइक्रोमीटर, दूसरी जो वेव है इसके साथ पाई बाय 2 एंगल पे आएगी तो इसका कितना है 4 माइक्रोमीटर, और तीसरी वेव दूसरी के साथ पाई बाय 2 के साथ आएगी तो ये आ जाएगा 7 माइक्रोमीटर, तो एंगल देखो पाई बाय 2 है, ये वाला भी कितना पाई बाय 2 है, रिजल्टेंट जो वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड यही होगा ना वेक्टर मेथड से देखें तो ये काफ़ी सिंपल है, ये 10 हो गया 7 है तो ये गैप कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक 3, ये है 4 3 तो ये कितना आ जाएगा 5, तो रिजल्टेंट जो वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड 5 माइक्रोमीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, ओके, क्या दे रखा है, ए मेटल्ड वायर विद टेंशन टी एंड एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाइब्रेट्स विद इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलोहर्ट्ज़, द सेम वायर विद द सेम टेंशन बट एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाइब्रेट्स विद ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.001 किलोहर्ट्ज़, टेंशन सेम रखा है लेकिन टेम्परेचर को डाउन कर दिया, ठीक है, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो बढ़ चुकी है, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द वायर इज इन 10 टू द पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा की वैल्यू बतानी है इसमें, देखो फ्रीक्वेंसी जो है 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू के इक्वल होगा, सही है, टेंशन सेम रखा है लेकिन टेम्परेचर चेंज करने से लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा, वायर सेम मतलब मास सेम है, तो म्यू को अपन लिख सकते हैं एम बाय एल, रूट एल ऊपर आ रहा है नीचे एल आ रहा है तो इसको मतलब मैं लिख सकता हूँ 1/√L और बाकी जो क्वांटिटी है टी है मास है वो सारे कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो उसको आप कुछ भी मान लो के मान लो चलो, तो फ्रीक्वेंसी जो है अपन कह सकते हैं 1/√L के प्रोपोर्शनल रहेगी, और जो लेंथ है जैसे अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो लेंथ मान लीजिए एल नोट है, फ्रीक्वेंसी एफ नोट है, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर चेंज किया फ्रीक्वेंसी एफ होगी, एफ इक्वल्स टू 1/√L, एल एल नोट की जगह एल लिखेंगे अपन और उसको लिख सकता हूँ एल नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ रखेंगे तो अंडर रूट में ये वैल्यू आएगी तो अंडर रूट एल नोट तो एज इट इज आ जाएगा और ब्रैकेट में कितना है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल पावर 1/2, इसको आप ऊपर ले जाइए, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज एफ नोट को रिप्रेजेंट करेगी तो एफ इक्वल्स टू एफ नोट ये आ जाएगा 1 पावर ऊपर जाएगा पावर 1 माइनस का 1/2, अल्फा काफ़ी स्मॉल होता है तो पावर आगे ले आओ बायनोमियल एक्सपेंशन से तो माइनस का अल्फा डेल्टा टी बाई 2, ठीक है ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर अब एफ की जो वैल्यू है वो 1.001 रख सकते हैं अपन किलोहर्ट्ज़ में, एफ नोट कितना है 1 किलोहर्ट्ज़ और 1 माइनस, अब डेल्टा टी जो है नेगेटिव है क्योंकि 30 से 10 पे जा रहे नेगेटिव है ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू अपन से पूछी है ये आ गया अपने पास कितना 20 30 माइनस 10 20 आ गया बाय 2, तो ये 10 कट गया यहाँ से, ओके अब इसको 1 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.001 तो आ ही गया, बाय 10 करोगे तो 10 से और डिवाइड कर दो इसको, ये अल्फा अपने पास आ जाएगा, ठीक है, तो
तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.0001, राइट, ये आ गया अल्फा की वैल्यू। और इसको अगर अपन को 10 टू द पावर माइनस 3 में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 टू द पावर 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे आप इसको तो ये इस यूनिट के अंदर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। 10 टू द पावर 3 से यूनिट से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.1। तो आंसर इज 0.1 फिफ्थ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आए अपन। ए ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव ऑन ए स्ट्रिंग विद ए लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मतलब म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको, इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन भी दे रखी है, वेयर एक्स एंड वाई इन द मीटर्स एंड टी इज इन सेकंड, द टेंशन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू। देखो टेंशन पूछा आपसे, देखो स्पीड जो होती है अंडर रूट में टी बाई म्यू होती है, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड, और टी जो है वो म्यू वी स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू अपन को दे रखी है 0.2 केजी के अंदर, केजी मीटर पर मीटर में, और वी जो है वो ओमेगा बाई के इक्वल होता है, ओमेगा बराबर के वी होता है तो वी बराबर ओमेगा बाई के, ओमेगा देखना पड़ेगा, ओमेगा टी का कोफिशियंट होता है विच इज 420, और के जो है वो एक्स का कोफिशियंट होता है विच इज 21, ठीक है। तो 21 और वो 420, तो ये ओमेगा बाई के आ गया, स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी इसको, इसे मल्टीप्लाई करो 20 आएगा, डिवाइड करो 20 आएगा ना, 20 का स्क्वेयर कितना होगा 400, 400 इंटू 0.2 तो 40 इंटू 2 कितना आ गया 80 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सो क्वेश्चन नंबर 7, ए साउंड लेवल आई इज ग्रेटर बाई 3.0103 डेसिबल फ्रॉम अनदर साउंड ऑफ इंटेंसिटी 10 नैनोवोट पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल आई इन द मिलीवोट पर मीटर स्क्वेयर इज। देखो ये कह रहा है कि जो साउंड लेवल है आई इंटेंसिटी का वो इस इंटेंसिटी से डेसिबल के अंदर इतना ज़्यादा है, मतलब 3.10103 डेसिबल ज़्यादा है, इसको अपन लिख सकते हैं 10 नैनोवोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 नैनोवोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 वोट पर मीटर स्क्वायर, वोट पर मीटर स्क्वायर ना, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एक काम करते हैं, इस यूनिट में कन्वर्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ इंटेंसिटी और यहाँ आ जाएगा आई नोट रेफरेंस लेवल इंटेंसिटी का, तो 10 नैनो मतलब 10 टू द पावर माइनस 9 वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 टू द पावर माइनस 4 आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, मिली, मिली के अंदर, तो ये तो 10 टू द पावर माइनस 5 बचेगा, मिली में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मतलब 0.1 मिली वोट पर मीटर स्क्वायर, तो ये 0.1 आ जाएगा मिली वोट, है ना, यूनिट ध्यान रखना है इसका मिली वोट पर मीटर स्क्वायर, और आई नोट ये डिवाइड में आ रखा है, और यहाँ पर लिखना है मुझे 10 लॉग बेस 10, यहाँ जाएगा जो भी इंटेंसिटी है वो मिली वोट पर मीटर स्क्वायर में आएगा और ये आई नोट आ जाएगा। अब इसको इधर इधर ले आओ, इस तरफ लेके आओगे आप, ये सब्ट्रैक्शन होगा तो 10 लॉग बेस 10 है ना, ये आई बाय 0.1 आ जाएगा, आई नोट तो कट जाएगा इसमें से, 3.0103 आ जाएगा। तो ये इसको चाहो तो आप इसको इससे भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इवन, तो 10 लोग ये 10 आई आ गया बराबर 3.0103, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो लॉग 2 की जो वैल्यू होती है ना, लॉग 2 की वैल्यू वो 0.30103 के बराबर होती है, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू 0.30103 के बराबर, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3.0103 हो जाएगा, इसका मतलब 10 आई जो है ना वो 2 के बराबर होगा, तो आई बराबर कितना आ गया 0.2 मिली वोट पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, एन इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व ड्यू टू टू कोरेंट सोर्सेज ए एंड बी सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 4 लैम्डा अलोंग द वाई एक्सिस, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स, डिटेक्टर डी इज मूव्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस ऑन द पॉजिटिव एक्सिस, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी एट विच मैक्सिमम विल बी ऑब्जर्व एज। देखो डिफरेंस कितना है ए और बी के बीच में 4 लैम्डा, अगर डिटेक्टर यहाँ पे होगा तो एक तो बी की वेव आएगी एक ए की वेव आएगी, दोनों का पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 लैम्डा, इससे वेव जो आएगी ऐसे आएगी 4 लैम्डा और इसका 0, तो पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा हुआ, और डिटेक्टर इन्फिनिटी पे जाएगा तो इससे जो वेव आएगी और एक इससे जो वेव आएगी इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम मिलेगा और यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे भी मैक्सिमम मिलेगा इन्फिनिटी पे भी,
तो यहाँ पर मैक्सिमा कितना है, मतलब पार डिफरेंस कितना है, 4 लैम्डा, यहाँ पे कितना है, 0, तो कहीं ना कहीं लैम्डा का भी आएगा, कहीं ना कहीं 2 लैम्डा आएगा, कहीं ना कहीं 3 लैम्डा भी आएगा, तो ये मैक्सिमा मिलेंगे अपन को। तो एक्सक्लूड करना है किसको, एक तो जीरो वाले को और एक इन्फिनिटी वाले को, तो फिर बीच में कितने मैक्सिमम मिलेंगे, तीन ही तो मिलेंगे, लैम्डा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा के लिए। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8th का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, 9th पे। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज सेम एज द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ में 11 मान लेता हूँ, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, v अपॉन में 4 L1, और ये किसके बराबर है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप फर्स्ट ओवरटोन कितनी होती है, v/L, तो v/L2 मान लेता हूँ, v से v कट गया। इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप इज 50 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ 50 है, तो 50 × 4 कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर हो गया। द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इज इन मीटर इज 200 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, 9th का 2 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, 10वें पे आओ। ए रेजोनेंस ट्यूब इज रेजोनेटेड विद ट्यूनिंग फोको फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज, इफ द लेंथ ऑफ द रेजोनेटिंग एयर कॉलम्स आर 32 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, देन एंड एरर करेक्शन विल बी। देखो फर्स्ट जो रेजोनेंस मिलेगा अपन को, उसके लिए जो लेंथ आती है वो L1 + E जो है वो λ/4 के इक्वल होगा। सेकेंड रेजोनेंस के लिए लेंथ है L2, L2 + E एंड रिफ्रेक्शन इक्वल टू 3λ/4। ये दोनों रेजोनेंस ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके लिए कंडीशंस होती हैं। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बराबर हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दो चाहो तो या बराबर कर लो, तो यहाँ से सब्ट्रैक्शन करें अपन तो कितना आएगा, 3L1 - L2 + 2E = 0, बराबर माइनस का 2e। यहाँ से e की वैल्यू कितनी आ गई, L2 - 3L1 / 2, बस सोल्व करना है इसको। L2 कितना है, 100 है, माइनस 3L1, 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 6 आ गया, ये 9 आ गया, 96/2, 100 - 96, 4 by 2 कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 10th का कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। An engine driver moving towards a wall with the velocity of 50 meter per second emit a note of frequency 1.2 kHz. The frequency of note after reflection from the wall is heard by the engine driver when the speed of sound in air is 350 meter per second is. तो कितनी frequency का sound उसे सुनाई देगा? तो देखो ये source है, source की velocity मान लो v s मान लेता हूँ, ठीक है? तो इसके पास जा रहा है ये, तो यहाँ से sound reflect होके आ रहा है, तो एक तरीके से mirror image की तरह आप इसको deal कर सकते हो। तो सोर्स यहाँ पर भी एक, वो भी आ रहा है इसी सेम स्पीड वी एस से, और ये खुद ऑब्जर्वर हो जाएगा फिर, तो इसको कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा, एफ एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी थी, ब्रैकेट सोर्स पास आ रहा है तो वी प्लस वी एस अपॉन ऑब्जर्वर पास जा रहा है वी माइनस वी ओ, वी ओ की वैल्यू हम वी एस रखेंगे, ये लो जी ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी, 1.2, वी कितना है 350 और वी एस कितना 50, 350 प्लस 50 कितना हो जाएगा 400 और 350 माइनस 50 कितना हो जाएगा 300, 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 3 से कट कर दो, 0.4, 0.4 × 4 1.6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6 kHz 11th का, ठीक है। 12वें पे आ जाओ, आइए। टू स्पीकर्स ए एंड बी प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट ईच प्रोड्यूस साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1800 हर्ट्ज इन फेज, ए डिटेक्टर मूविंग पैरेलल टू द लाइन ऑफ स्पीकर्स डिस्टेंस 2.4 मीटर अवे डिटेक्ट्स ए मैक्सिमम इंटेंसिटी एट ओ एंड देन एट पी। देखो ओ पे ये मैक्सिमा डिटेक्ट करेगा क्योंकि दोनों स्पीकर से वेव ऐसे आएंगी, दोनों का पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0, तो मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन ओ के बाद नेक्स्ट पी पे मिल रहा है तो अगेन पार्ट डिफरेंस मिलेगा, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस अगर 0 तो आगे जाएंगे तो पार्ट डिफरेंस बढ़ेगा, 0 से फिर नेक्स्ट क्या आएगा, लैम्डा आएगा, फिर 2 लैम्डा आएगा, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो जो पी पॉइंट है ना यहाँ पर पक्का पक्का पार्ट डिफरेंस लैम्डा के इक्वल है। अब पार्ट डिफरेंस कैसे कैलकुलेट, कितना आएगा, देखो ये एक तो वेव ऐसे आएगी, एक वेव ऐसे आएगी, तो ये तो लेंथ 1 मीटर है और ये लेंथ 2.4 है, तो 1 का स्क्वायर और 2.4 का स्क्वायर करके अंडररूट करोगे ना तो ये जो लेंथ है ये वाली लेंथ है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 2.6 आएगा, तो ये लेंथ 2.6 मीटर आएगा, ये 2.4 है, तो इन दोनों के बीच में पार डिफरेंस कितना है, 2.6 - 2.4 विच इज 0.2, सो पार डिफरेंस इज 0.2 मीटर। पार डिफरेंस आपके पास आ चुका है विच इज लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 0.2 मीटर आपके पास आ गया। फ्रीक्वेंसी आपको 1800 हर्ट्ज दे रखा है, स्पीड ऑफ साउंड पूछा है, तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो 1800 × 0.2 तो पॉइंट एक हटा दो, 180 × 2 अगर आप करोगे यहाँ पर तो कितना आ गया, 360 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किलोमीटर पर सेकेंड में पूछा है तो 0.2
0.36 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 बाजी, ए ट्रेन ब्लोइंग इट्स व्हीसल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, द रेशियो ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हीसल टू दैट मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज फाउंड टू बी 1.2। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी वी से ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है ना, तो अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, एफ डैश एफ वी अपॉन वी प्लस वी एस, है ना, और वी एस की वैल्यू इसने वी ले रखी है, तो एक काम करते हैं स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो मैं वी डैश मान लेता हूँ, वी डैश अपॉन में वी डैश प्लस वी, और ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हीसल टू दैट ऑफ द मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज फाउंड टू बी, अच्छा इसमें एफ बाय एफ डैश दे रखा है, सो ये एफ बाय एफ डैश जो है वो आ जाएगा अपने पास वी डैश प्लस वी अपॉन वी डैश विच इज 1.2। इसको सॉल्व करो तो वी डैश 1.2, वी डैश इधर वी डैश आ गया, तो वी बराबर कितना आ गया 1.2 वी डैश माइनस वी डैश मतलब 0.2 वी डैश, ये पहली इक्वेशन आ गई अपने पास, है ना। नेक्स्ट लाइन में क्या करें, इफ द ट्रेन इज एट रेस्ट एंड द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम इट एट द सेम वेलोसिटी दिस रेशियो वुड बी गिवन बाय, अच्छा जी अब ये कह रहा है कि अगर ऑब्जर्वर दूर जाए उसी सेम स्पीड से तब ये रेशियो क्या होगा, है ना, तब अगेन पूछा है, तो अगर ऑब्जर्वर दूर जाएगा तो एफ अपॉन में एफ डैश की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक तो वी डैश आएगा राइट, और अपॉन में यहाँ पे क्या जाएगा वी डैश माइनस वी, समझ बात, क्योंकि एक्चुअल में जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगने वाला है, एफ डैश इक्वल्स टू एफ यहाँ जाएगा वी डैश, दूर जा रहा है तो वी डैश माइनस वी अपॉन में वी आएगा ना, वी डैश आएगा, इसको पलट दो तो वी डैश ऊपर वी डैश अपॉन में वी डैश माइनस वी, बस अब कुछ नहीं है इसकी वैल्यू रखनी है, तो वी डैश अपॉन में वी डैश माइनस वी, वी की वैल्यू 0.2 वी डैश है तो ये कितना आएगा 0.8 वी डैश, कट गया इससे, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई 10/8, है ना 10/8 ये आंसर आ जाएगा, बाकी रेशियो ही तो पूछा है इसमें, तो इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ गया ये 4 ये 5 5/4 कितना आएगा 1.25, तो 13th का जो आंसर आएगा 1.25 आना चाहिए, 1.25 आएगा जी। चलिए नेक्स्ट पे चलें, 14th, ए ट्रेन मूविंग टुवर्ड्स ए टनल इन ए ह्यूज माउंटेन विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड साउंड्स इट्स व्हीसल इफ द ड्राइवर हियर्स 6 बीट्स पर सेकंड एंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हीसल इन हर्ट्ज इज, देखो वही सेम रिफ्लेक्शन वाला केस हो गया, एक तो जो ड्राइवर जो है उसको कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा एफ नोट, क्योंकि वो ट्रेन के साथ है, एक जो रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी एफ नोट वी प्लस वी एस अपॉन वी माइनस वी एस, यही होगा, इसमें से अगर मैं इसको सबट्रैक्ट कर दूं तो ये बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सबट्रैक्ट करें चलो एफ नोट ये आ जाएगा, देखो एफ नोट तो कॉमन आ गया, यहाँ माइनस का वी कट जाएगा 2 VS आ गया अपॉन में वी माइनस वी एस आ जाएगा, और इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है यहाँ पर 6 के इक्वल है, ठीक है, और वी एस जो है वो 12 दे रखा है अपन को, इससे काट दो पहले ये 3 आ गया, तो एफ नोट की वैल्यू पूछी अपन से तो एफ नोट आ गया 3 इंटू वी माइनस वी एस, वी कितना दे रखा है अपन को 332 माइनस वी एस कितना है 12 है, नीचे डिवाइड में वी एस है जो कि 12 के बराबर है, अब इसको सॉल्व करो 3 4 आ गया, और यहाँ पर हमसे 332 माइनस 12 कितना बचेगा 0 2 और 3, 332 आया 4, तो डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 80 हर्ट्ज, है ना, तो 14th का 80 हर्ट्ज जो है वो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, एस वन एस टू आर द टू करेंट सोर्सेज हैविंग इनिशियल फेज डिफरेंस 0 ऑफ साउंड लोकेटेड अलोंग एक्स एक्सिस सेपरेटेड बाय 4 लैम्डा वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इमिटेड बाय देम नंबर ऑफ मैक्सिमा लोकेटेड ऑन द एलिप्टिकल बाउंड्री अराउंड इट विल बी, देखो अगर डिटेक्टर यहाँ पे होगा तो एक वेव तो एस टू से आएगी और एक वेव एस वन से आएगी, इनके बीच में फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस कितना है 4 लैम्डा और इनिशियल फेज डिफरेंस 0 था, इसका मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मैक्सिमम मिलेगा, और जब इस पॉइंट पे चलेंगे अपन तो S1 से वेव ऐसे आएगी S2 से वेव यूं आएगी तो पाथ डिफरेंस 0 हो गया ना, तो इन दोनों पॉइंट के लिए बात करें तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है वो 4 लैम्डा है, यहाँ पे 0 लैम्डा, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में लैम्डा वाला पार्ट भी आएगा 2 लैम्डा वाला पार्ट भी आएगा 3 लैम्डा वाला पार्ट भी आएगा, तो जो पैटर्न इधर बना है सेम पैटर्न इधर भी बनेगा है ना, तो इनके बीच में अगर देखें तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा मतलब 3 मैक्सिमम मिल रहे, तो यहाँ पे भी 3 मिलेंगे 3 मिलेंगे, 3 इंटू 4 कितना आया
12 हो गया। और उसके अलावा ये जो पॉइंट्स हैं, इस पे 0 लैम्डा, इस पे 4 लैम्डा, यहाँ पर वापस 4 लैम्डा आएगा, यहाँ पे 0 लैम्डा आएगा, तो चार मैक्सिमा और मिल गए, तो 12 और 4 कितना हो गया 16। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमस कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पे चलें, आइए जी 16 पे आ जाइए। द टाइम टेकन बाई ट्रांसवर्स वेव टू ट्रेवल द फुल लेंथ ऑफ ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास 0.1 केजी एंड लेंथ 2.545 मीटर हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग इज इन सेकेंड। देखो ये वही क्वेश्चन हो गया, रोप है, यहाँ से आपने पल्स जनरेट की, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, एक्स जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो होगी, और ये जो पल्स है अपन को पता है जी बाई टू एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाती है, लेंथ आपको एल दे रखी है। अब आप ये बताइए टाइम कितना लगेगा, इक्वेशन मोशन लगा दो, एल बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो है तो हाफ ए, ए की वैल्यू कितनी है जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4L बाई जी का अंडर रूट, मतलब 2 अंडर रूट एल बाई जी, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, अब टी बराबर 2 अंडर रूट एल, एल की वैल्यू कितनी है 2.45, और यहाँ पर जी की वैल्यू 9.8 रखनी है अपन को, ये 9.8 से डिवाइड करो आप, ठीक है, ये आएगा 0.25 बोले तो 1/4, 1/4 का अंडर रूट कितना होगा 1/2, 1/2 और 2 मल्टीप्लाई होकर कितना जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। नेक्स्ट आइए, ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी एन इज प्लेस नियर द ओपन एंड ऑफ ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब आपको गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर ये ओपन एंड दे रखा है हमें। द ट्यूब हैज ए साइड ओपनिंग एंड इज ऑल्सो फिटेड विद अ मूवेबल रिफ्लेक्टिंग पिस्टन, एज द पिस्टन इज मूव थ्रू 8.575 सेंटीमीटर, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड चेंजेस फ्रॉम ए मैक्सिमम टू मिनिमम, द स्पीड ऑफ साउंड इज 350 मीटर पर सेकेंड, देन एन इज इन किलोहर्ट्ज। एक चीज देखो, यहाँ से वेव आएगी एक तो ये, ठीक है, एक वेव जो है ना रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी, इनके बीच में सुपरपोजिशन होगा यहाँ पर, और अगर पार्ट डिफरेंस अगर एन लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव होगा, और 2n-1 या 2n+1 लैम्डा बाई 2 है तो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो फिलहाल जो है ना ये गिवन पोजिशन के लिए मान लीजिए, जैसे ये वेव आई यहाँ से जाके यहाँ आ रही है, एक वेव ऐसे आ रही है, यहाँ से ये वाली लेंथ जो है मैंने L2 मान ली मान लो, और ये L1 है, तो ये जो वेव है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, L1 प्लस L2 प्लस L2, और ये वाली वेव केवल L1, तो दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, L1 तो कट जाएगा, 2L2 ही तो आया पार्ट डिफरेंस, तो अभी पार्ट डिफरेंस कितना है 2L2 है, और हमें क्या मिल रहा है अभी मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, तो मान लेता हूँ मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पर कंसीडर कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए एन लैम्डा है, मैक्सिमम मिल रहा है। फिर आपने क्या किया, इस पिस्टन को फर्दर एक्स डिस्टेंस पर शिफ्ट किया, तो अब ये जो वेव है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगी, देखो L2 चलेगी, एक्स चलेगी, फिर वापस एक्स चलेगी, L2 चलेगी, तो अब कितना डिफरेंस आया एक्स्ट्रा 2L2 + 2x, और अब जो है मिनिमम मिल रहा है, इसका मतलब एन लैम्डा के बाद वाला जो मिनिमम है वो देखना है अपन को, एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, यही तो होगा मिनिमा के लिए। अब इन दोनों को सेपरेशन लें, सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ से कट जाएगा ये वाला पार्ट, इससे कट जाएगा ये वाला पार्ट, इससे कट जाएगा, इसका मतलब 2x की जो वैल्यू है वो लैम्डा बाई 2 के बराबर है, देन वी हैव लैम्डा इक्वल्स टू 4x, लैम्डा आ गया, x की वैल्यू 8.75 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, लैम्डा बराबर आ जाएगा 4 × 8.75, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको अपन मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं यहाँ से, चलो जो भी ये देख लेंगे यहाँ पर, और ये सेंटीमीटर में आएगा, ये ध्यान रखना, आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो। अपन से पूछा है फ्रीक्वेंसी क्या होगी किलोहर्ट्ज के अंदर, फ्रीक्वेंसी पूछा तो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा होगा, और वी की वैल्यू अपन को दे रखी है 350 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा से इसको डिवाइड कर दीजिए 4, 8.75, और 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद 17th का जो आंसर आता है अपने पास 1 किलोहर्ट्ज के बराबर ये वैल्यू आती है ना, ये 1 किलोहर्ट्ज के एग्जैक्ट बराबर आएगा, ये आप देख सकते हो, ये कट जाएगा उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू आइडेंटिकल साउंड्स S1 एंड S2 रीच एट ए पॉइंट P इन फेज, द रिजल्टेंट लाउडनेस एट पॉइंट P इज N dB हायर देन द लाउडनेस ऑफ S1, द वैल्यू ऑफ N इज। देखो दोनों की इंटेंसिटी II है, ठीक है, दोनों की इंटेंसिटी II है, तो अगर मैं I के अकॉर्डिंग देखूं, डेसिबल मान लीजिए, बीटा डेसिबल है इंटेंसिटी, तो बीटा बराबर 10 लॉग बेस 10 I बाय I नॉट, यही होता है। अब जब दोनों सोर्स सेम फेज के अंदर दोनों से वेव्स जो मिलेंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी कितनी होगी, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, और दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो रूट I प्लस रूट I का होल स्क्वायर मतलब 4I। तो अब जो इंटेंसिटी मान लीजिए अल्फा है, तो अल्फा को क्या लिखोगे आप, 10 लॉग बेस 10 4I बाय I नॉट, बस इसको सिंपल कर लो थोड़ा सा, 10 लॉग बेस 10 4 और
बाकी जो बच रहा है वो 10 log base 10 i by i naught जो कि बीटा के बराबर है. तो बीटा से कितना हायर होगा, ये इतना डीबी डेसिबल जो हायर है. तो 10 log base 10 4 की जो वैल्यू है वो आप जानते हो कितना होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.02 है ना, इसकी वैल्यू जाएगी 6.02 डेसिबल एक्स्ट्रा, राइट. चलिए जी आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर 26 ट्यूनिंग फोक्स अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज, ईच ट्यूनिंग फोक गिव्स 3 बीट्स विद द नेक्स्ट. तो पहला ट्यूनिंग फोक यहां पर है, फिर दूसरा आएगा ऐसे करते करते 26वां यहां आएगा, ठीक है, और 3 बीट पर सेकंड, इसके बीच में 3 का डिफरेंस है, अगले वाले के बीच में 3 का डिफरेंस है, ठीक है, 3 बीट दे रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है हो सकता बढ़ रही हो सकता घट रही हो, दोनों ही है. द फर्स्ट वन इज ऑक्टेव ऑफ द लास्ट, मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ नोट है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ एफ नोट होनी चाहिए, ये कंफर्म है. तो मतलब अगर इसकी एफ नोट है यहाँ से, तो डिफरेंस कितना आएगा, अगर 26 है तो डिफरेंस 25 का आएगा, 25 × 3, मतलब अगर मैं हर मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करता जाऊँ, बीट फ्रीक्वेंसी को ऐड करता जाऊँ, तो ये एफ नोट जो है पक्का पक्का एफ नोट प्लस में 3 आएगा, फिर 3 आएगा ऐसे करते हुए, तो 25 × 3 करूँगा मैं, और बराबर कितना आना चाहिए, 2 एफ नोट आना चाहिए, 75 आ जाएगा यहाँ पर, तो एफ नोट की वैल्यू आ गई 75 हर्ट्ज. तो ये तो कन्फर्म है इसकी फ्रीक्वेंसी 75 हर्ट्ज आ गई. अब कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 18th ट्यूनिंग फोक. अब अगर 18th ट्यूनिंग फोक की बात करें, इधर से चलें 18th की, ठीक है, तो इस तरफ से नंबर कितना आएगा, ठीक है, इधर से 18th नंबर है, अगर 18th है तो इस तरफ से कितना आएगा, 8वां नंबर आएगा ना, ठीक है, नहीं सॉरी 9वां नंबर आएगा ना, इधर से अगर अपन काउंट करें तो, इधर से अगर 18th है, ठीक है, इधर से अगर काउंट करोगे, इसको 1 दूं फिर 2 दूं 3 दूं, तो इधर से कौन सा नंबर आएगा, 9वां नंबर आएगा. 9वां नंबर आएगा तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी फिर कितनी होनी चाहिए, 75 तो यहाँ ऑलरेडी है इसके पास, प्लस में 9 में से एक सबट्रैक्ट करो 8 × 3, बीट फ्रीक्वेंसी 3 है ना, तो 8 बार जो है वो 3 को आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू आएगी. तो 75 + 24 कितना आ गया, 99 हर्ट्ज. तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 99 हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. A whistle giving out 450 hertz approaches a stationary observer at a speed of 33 meter per second. The frequency heard by the observer in kilohertz is this. काफी सिंपल क्वेश्चन है ये. फ्रीक्वेंसी अपन को फाइंड आउट करनी है. एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज है और जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, ठीक है. तो v कितना है, 330 अपॉन में 330 माइनस 33, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी. इसको सॉल्व कर लो आप, इसकी वैल्यू आती है 0.5 किलोहर्ट्ज में पूछा है ना, तो वैसे 500 हर्ट्ज आता है ये एग्जैक्टली, लेकिन किलोहर्ट्ज के अंदर कितना आ जाएगा, 0.5 किलोहर्ट्ज, ठीक है. तो ये था आपका पेपर वीडियो सॉल्यूशन. आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, ऐसे ही मेहनत करते रहिए. ओके, थैंक यू.